بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأتم الحج والعمرة لله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم بارك صلى الله عليه وسلم وبارك على आपके मुबारक सफर के बारे में इंशाअल्लाह आज बातें होंगी। 9 हिजरी के अंदर मशवर हुआ पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज फर्ज होने के बाद पहली मरतबा मुसलमानों को सैयदना सदीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क़यादत में हज के लिए भेजा और उम्मत के पहले अमीरुल हज सैयद अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अभी आप रवाना हुए थे, पीछे पीछे आयात नाज़िल हुई या अय्युहल लज़ीना आमनू इन्ना मुशरिकून वल नजस, तो कुछ अहकाम देखे सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा की तरफ भेजा। अमीर हज के सिद्दीक अकबर हैं और वक्त के जो बड़े हैं यानी नबी हैं, और उस ज़माने का कानून था कि कोई ख़ास अहकाम देने होते तो वक्त का बादशाह वक्त का अमीर अपने करीबी रिश्तेदार को भेजा करता। तो उन हालात को देखते हुए नबी अलैहिस्सलाम ने अपने चचा के बेटे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्या ऐलानात थे? एक तो ये हुक्म हो गया इन्नमल मुश्रिकून नजस, आज के बाद यहाँ कोई मुश्रिक दाखिल नहीं होगा, ये नजस नापाक। एक हुक्म उसमें ये भी था कि आज के बाद कोई नंगे तवाफ नहीं करेगा। पहले ये मुश्रिकी ने मक्का नंगा तवाफ नहीं करते थे और नीयत बड़ी प्यारी होती थी। नीयत क्या होती थी कि पता नहीं हमारा कपड़ा हलाल का है कि हराम का, पता नहीं मुश्तबे ना हो तो चलो खारिज हो, हमने हर हाल में शरीयत को मुकद्दम रखा। वो नीयत मोतबर है जो शरीयत के यहाँ, तो नीयत तो बुरी नहीं थी उनकी लेकिन अमल बहुत बुरा था, मना कर दिया। तो दोबारा अहकाम थे, दोबारा अहकाम दे दिए गए कि ये नहीं होगा ये नहीं होगा, आज के महीनों में तब्दीली नहीं होगी, मुख्तलिफ किस्म की बातें थी, इन सारी चीज़ों को जो भी थी वो ऐलान हो गए। तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को वापस तशरीफ लाए। ये क्या था असल के अंदर, ये मेहमान खसूसी ने जो 10 ज़िलहज्जा में हज करना था उससे पहले तैयारियां थी और इंतजाम होने थे कि जब नबी अलैहिस्सलाम आए तो ये बुनियादी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी। अल्लाह की शान 10 ज़िलहज्जा का मौका आया हज का, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का आम ऐलान फरमा दिया कि मैंने हज के लिए जाना है, जो जो मेरे साथ चलना चाहे सब लोग तैयारी है, अज़वाज मुतहरात सारी की सारी आपके साथ थी और बेशुमार महबूब आपके साथ होंगे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में मुझे एहसास है कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों में हज का ऐलान किया तो कोई ऐसा शख्स बाकी न रहा जो सवार या पैदल आने की कुदरत रखता हो और उसने सफर का ऐलान न किया। नबी अलैहिस्सलाम के साथ सब हो गए, लोगों को खुशी थी नबी अलैहिस्सलाम की मायत में अल्लाह का अल्लाह के घर का दीदार करने की और हज करने की। जैसे दूल्हा चलता है साथ बारात चलती है, नबी अलैहिस्सलाम चले हैं तो सहाबा सब आपके साथ जॉब दर जॉब, और किताबों में लिखा है हदीस की के दूर दूर तक आदमी ही आदमी नजर आते थे। नबी अलैहिस्सलाम तो मदीना से ही वैसे चले तो चंद हज़ार लोग थे, लेकिन रास्ते में जगह जगह हर हर मुकाम पे और लोग आगे मिलते गए, काफिला बड़ा होता चला गया, हत्ता कि ये सवा लाख सहाबा ऐसे लादा का सिलसिला बना। रिवायत के मुताबिक 25 ज़िलक़ादा हफ्ते वाले दिन नबी अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा से सफ़र को शुरू किया। जोहर की नमाज आपने मस्जिद नबी शरीफ में अदा की, 4 रकात अदा की और वहाँ से निकले तो ज़ुलख़लीफ़ा पहुँचे। लेकिन निकलने से पहले नबी अलैहिस्सलाम ने एक खुतबा इरशाद फरमाया जिसमें हज के बारे में कुछ सुनन वाजिबात और तफसीलात का तरीका बताया। यहाँ से जाहिर हुआ कि हाजी को चाहिए कि हज पर रवाना होने से पहले हज की मालूमात और
तरीक़ेकार को हासिल करें। जो हज पे जाने वाले हैं, बयान तो असल उन्हीं लोगों के लिए हैं। नबी अलैहिस्सलाम के पूरे हज के सफ़र को पढ़ लेना, सुन लेना, एक तो गाड़ी से बरकत, फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें मालूम हो जाएंगी और हज के लिए आसानी होगी। नबी अलैहिस्सलाम जो खलीफा पहुँचे, जिसको आज अबियार अली भी कहा जाता है, वहाँ आपने रात बसर की और उस रात तमाम अजवाज मुतहरात से आपने मुलाकात की और सुबह आपने गुस्ल भी फरमाया, इहराम के लिए भी गुस्ल किया। तो सुन्नत ये है, अगर मियां बीवी साथ हों तो सफ़र शुरू करने से पहले अगर मुलाकात हो जाए तो दिल और दिमाग की सफाई रहती है और सफ़र में परेशानी नहीं होती। सफ़र में तो फिर सफ़र ही होता है, उसके अपने मामला होते हैं, तो इंसान पहले से ही अपने आप को यकसू कर ले ताकि इबादत के अंदर ज़्यादा दिल लगा सके, इधर उधर दिल मुतवज्जे ना हो। देखने पहले सलाम को सुनने की है। जब आपने अहराम बांधने का इरादा किया, अभी अहराम आपने बांधा नहीं था, चादरें दिन तक फरमा ली थी, अपनी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने हाथों से आपको ज़रीरा नाम की एक खुशबू लगाई। अहराम बांधने से पहले, नीयत से पहले खुशबू लगाना ये सुन्नत है। और ये ज़रीरा, इसके बारे में किताबों में लिखा है कि हिंदुस्तान से आने वाली किसी कोई बुरादा हुआ करता था खुशबू का। नबी अलैहिस्सलाम ने जो चादरें अहराम की जो है वो पहनी, खुशबू लगाई गई, उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने दो गाना, दो नफिल अहराम पे जो है वो अदा किए। इन दो नफिल के अंदर पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना ये सुन्नत है। और अभी जो हम नियत कर रहे हों तो सर को ढांक कर ये नफिल पढ़ेंगे, ये दो रकात जो है ये सर को ढांक कर पढ़ेंगे, और जैसे ही नियत करने लगेंगे तो सर से टोपी उतार दें और फौरी तौर पर नियत कर लें। नियत क्या होगी, इंसान हज या उमरे में जो सफ़र कर रहा है उसी की नियत करेगा और उसके साथ फौरन तलबिया पढ़ेगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने तलबिया पढ़ा, किन अल्फाज से पढ़ा, किताबों में जो अल्फाज हैं जो मशहूर और मारूफ हैं, लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हमदा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो तीन दफ़ा पढ़ना इसको ये ज़्यादा मुनासिब है। तो तलबिया पढ़ा नबी अलैहिस्सलाम ने, किताबों में लिखा है तीन रिवायतों, तीन मकाम के बारे में, एक तो जहाँ आपने नमाज पढ़ी वहाँ तलबिया पढ़ा, दूसरा रिवायत में आता है जब सवारी पर सवार हुए उस वक्त तलबिया पढ़ा, तीसरा जब आप बैदा की बुलंदी के ऊपर चढ़ने लगे उस वक्त तलबिया पढ़ा। तो उलमा फरमाते हैं कि जिसने जहाँ सुना वो नकल कर दिया तो तीनों ही नबी अलैहिस्सलाम से सुना। तलबिया पढ़ने की नीयत हो गई, अब सफ़र शुरू हो गया। नबी अलैहिस्सलाम के साथ कुछ जानवर थे जो कुर्बानी के लिए साथ रखे थे, हदीब को कहते हैं, उनको कलादा पहना दिया गया। कलादा से मुराद पट्टा, आप समझ लीजिए, उनको पट्टा डाल दिया गया, ताहम वो जूते का था उस ज़माने के मुताबिक। वो निशानी होती थी कि ये जानवर जो हैं ये कुर्बानी के जानवर हैं, ये फरोख के लिए हैं, कोई और का मकसद नहीं है, ये कुर्बानी के लिए हैं। और एक और भी अरब के अंदर एक रिवाज था कि उनको का जो कोहान होता था ना, गोल समुचल सब, उसमें मामूली सा जख्म लगाकर उसके खून को थोड़ा सा लगा दिया करते थे निशानी के तौर पर, लेकिन वो जख्म इतना मामूली सा होता था कि ज़रूरत पूरी हो जाती निशानी की, लेकिन खून को तकलीफ ना पहुँचती। जानवर की तकलीफ कर भी शरीयत में लिहाज है, इतनी खूबसूरत ये शरीयत। फिर नबी अलैहिस्सलाम के लिए ऊँट के ऊपर पालान बनाया गया, जिस तरह घोड़े के लिए जीप होती है ऊँट के लिए पालान, दोनों तरफ लोग भी बैठ सकते हैं, सामान भी रखा जा सकता है, इंसान बैठ भी सकता है। और अजवाज मुतहरात के लिए गुदज बनाया गया, इसके ऊपर बाकायदा साया था, तो उनको साया वाली जगह दी गई, पर्दा भी हो गया साया भी हो गया। तो यहाँ से मालूम हुआ कि एहराम के बाद जो मुहरिम आदमी है ये साये में बैठ सकता है, छत भी ले सकता है, छत के नीचे बैठ सकता है। तो ये मसला जाहिर हुआ। इन्हीं मामलात और वाकयात से उलमा ने बेशुमार मसाइल निकाले हैं। आज हज पर जाने वाले नबी अलैहिस्सलाम के हज को फ़ज़ाइल हज के अंदर भी लिखा हुआ है, नबी अलैहिस्सलाम को मुबारक हज, उसकी तफ़सीलात और भी किताबों में हैं, उसको सुनने और पढ़ने से बहुत फ़ायदा होता है। नबी अलैहिस्सलाम ने सफ़र शुरू किया ना, एक दुआ मांगी, अल्लाहु अकबर कबीरा, नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, या अल्लाह इस हज को रिया और दिखावे से नमूद से महफूज फरमा, उम्मत के लिए कैसी ज़बरदस्त तालीम है, कैसी ज़बरदस्त तालीम है। नबी अलैहिस्सलाम तो इख़लास का बेकर हैं, हमारी तालीम के लिए है ये सारा कुछ।
रिया और दिखावे से महफूज है, क्योंकि इस सफर में हज का हो या उम्रे का कदम कदम पर रियाकारी का खदशा है। तो एक साहब थे, किसी दुकानदार के उन्हें पैसे देने थे, हज पे चले गए। हज से जब वापिस आए तो दुकानदार को पता लग गया था ये हज पे गया बंदा। अब वो दुकान पे वापिस आए, कहने लगा कि भाई मेरा खाता खोलो। उसने खाता खोलिए, खुश हो गया, अच्छा भेज करके तौबा करके मुझे पैसे वापस कर दे। उसने खाता खोला, हाँ जी इतने पैसे, क्या नाम लिखा है? फला नाम। अच्छा नीचे हाजी लिख दो, नाम के नीचे हाजी भी लिख दे। इस सफर में कदम कदम के ऊपर रियाकारी का खर्च है, और आजकल का मोबाइल फोन का इस्तेमाल इसमें तो और ज्यादा इसको बढ़ा। हर मकाम की सेल्फी, हर मकाम की वीडियो, हर मकाम की तस्वीर, पूरे हज का जनाजा निकल गया, इखलास का जनाजा निकल गया। बहुत मुश्किल है इन चीज़ों के साथ इखलास को संभालना। उनके अलैहि सलाम ने दुआ भी मांगी है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। इस सफर में नियत का ख्याल करना है, ये दुआ मांगी है, अल्लाह इसको ऐसा हज बना जिसमें रियाकारी न हो, दिखावा न हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस खलीफा का मकाम था जहाँ से रवाना होना था, यहाँ अस्मा बिनत अमीस रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा की बीवी थी, उनके यहाँ विलादत हुई और मोहम्मद बिन अबू बकर रजी अल्लाह तआला पैदा हुए। सहाबा बड़े खुश हुए, तो ये सफर शुरू हुआ है, साथ विलादत भी हो गई। और मसला पूछा गया कि क्या करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई आप भी एहराम की नियत करें और गुस्ल करें, एहराम की नियत करें और साथ चलें। तो यहाँ से ये मालूम हुआ कि एहराम के लिए गुस्ल करना ये भी सुन्नत है, और हायदा औरत भी एहराम के लिए गुस्ल करे, और तीसरी बात हायदा औरत भी एहराम बांध सकती है, उसका एहराम सही है। बहुत सारी औरतें परेशान हो जाती कि भाई मामला शुरू हो गया, क्या करें, टेबलेट ले लें, गोलियाँ ले लें। वो जायज़ ज़रूर है, लेकिन अंदर के सिस्टम को जो बदलती होती है, इंसान छेड़ता है ना, तो परेशानियाँ भी बहुत आती हैं, उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत आते हैं, उससे बचना चाहिए। तो अल्लाह ने आसानियाँ दी नहीं है, हमें क्या ज़रूरत है कि हम इधर उधर के मामला की तरफ जाएँ। ज्यादा जज्बा दिखाने की जरूरत नहीं, सर झुकाने की जरूरत है। उसके साथ भी अल्लाह ताला आज को मुकुल फरमा लेंगे, तो हमारे लिए आसानी इसी में है कि नहीं मैंने जाके सवाब जरूर ही करने, रोज मैंने दो मेरे अदा करने, नहीं भाई सर को झुकाए और जैसा हाल में अल्लाह ने रखा है उसी हाल में कबूल करने के लिए तैयार है, तो हमें क्या जरूरत है जवानियाँ दिखाने की। के साथ साथ पॉइंट्स इसके इसलिए आ रहे हैं कि इससे जो बात समझ में आ जाए। अच्छा सहाबा चल रहे हैं तो तलबिया पढ़े, इतने में सतीना जिब्रील अलैहि सलातो सलाम तशरीफ लाते हैं और नबी अलैहि सलाम को अल्लाह का पैगाम देते हैं कि महबूब अल्लाह ताला का इरशाद है। अल्लाह फरमा रहे हैं अपने साथियों को कहिए बुलंद आवाज से तलबियत है, बुलंद आवाज से तलबियत। बुलंद आवाज से मुराद चीखना नहीं है, मुनासिब अच्छी बुलंद आवाज से मर्दों के लिए तलबियत पढ़ना, यह अल्लाह को पसंद है। फिर सहाबा ने तलबियत पढ़ना शुरू किया बुलंद आवाज से, और उन्हें जब मालूम हुआ अल्लाह सुन रहे हैं, अल्लाह की तरफ से पैगाम है, इतनी कसरत से पढ़ा अगले ही दिन पहले सुन गए, पहले बैठ गए। आज बजाय पानी के हम जूस और कोक पीते हैं, और कहा जाए तलबियां ऊंची आवाज से पढ़ो तो शर्म आती है मर्दों को। 200, 300 और 350 लोगों से जहाज भरा होता है, चंद एक लोग होते हैं जो तलबियां ऊंची आवाज से पढ़ रहे होते हैं, बाकी बेचारों को शर्म आ रही होती है। शर्म का मुकाम नहीं, आशिक का तराना है, अल्लाह के दरबार में जाना है, तो लबैक अल्लाहुम्म लबैक पढ़ता चला जाए। एक हदीस के अंदर इस तरह का भी मौजूद है, जो शख्स सुबह से लेकर शाम तक तल्बिया पढ़ता रहे, तल्बिया पढ़ता रहे, अल्लाह पिछले सारे गुनाहों को माफ कर दे। छोटी नेमत तो नहीं, इस्लाम का शिआर है, निशानी है, और हज की जीनत तल्बिया बताया गया, खूब कसरत के साथ इंसान तल्बिया पढ़े। लबैक अल्लाहुम्म लबैक, लबैक ला शरीक लक लबैक, इन्नल हमद व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अब आप चले तो पहली मंजिल जो थी उसका नाम है मलल, ये तकरीबन 17 मील के फासले पर है मदीना तैयबा से, यहाँ आपने रात को बयान फरमाया। अगले दिन जब दोबारा सफर शुरू हुआ, दूसरी मंजिल थी रौहा, ये नबी अलैहि सलातो सलाम इसका वर्ष उस सही मुस्लिम में लिखा है 36 मील दूर है ये मदीना तैयबा से। नबी अलैहि सलातो सलाम ने यहाँ नमाज पढ़ी और फरमाया कि मुझसे पहले यहाँ 70 नबियों ने, अंबिया ने नमाज पढ़ी है, और अहले बदर के लिए जब आपने मशवरा किया था जिहाद का, वो भी इसी मकाम के ऊपर किया था। तो बहरे रोहा ये दूसरी मंजिल थी, फिर
तीसरी मंजिल थी असाया। जब नबी अलैहिस्सलाम भी रोहा से चले तो असाया में अब तीसरी मंजिल हुई, वहां कयाम फरमाया। वहां पे मालूम हुआ कि जो मुहर्रिम है ये शिकार नहीं कर सकता, मुहर्रिम खुद शिकार नहीं कर सकता। आप किसी और गैर मुहर्रिम ने शिकार किया हो तो शिकारी जानवर जो है वो खा सकता है या किसी दूसरे ने कर लिया, लेकिन जिसने इहराम बांधा हुआ है जो खुद शिकार करेगा तो ना ये खुद खा सकता ना कोई खा सकता, इसको मना कर दिया। इसके लिए मनाजी फरमा दी गई, ये बात किताबों में लिखी, ये तो मेरा पेश भी नहीं आती। फिर चौथी मंजिल थी आरज। नबी अलैहिस्सलाम वहां से चले और आरज में जाके कयाम फरमाया। यहाँ पे एक अजीब वाकया पेश आया। क्या हुआ? नबी अलैहिस्सलाम का सामान और सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का सामान एक ही मुट्ठी पर था। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु इंतजार में थे कयाम के बाद अब गुलाम आएगा तो सामान भी लाएगा, गुलाम आ गया पूछा उठी का है, वो तो गायब हो गया। अल्लाह अकबर, सिद्दीक अकबर को तो बहुत गुस्सा से मारने लगे, ये तूने क्या कर दिया? नबी अलैहिस्सलाम का सामान था ना, अपने लिए तो नहीं इतना होता था। नबी अलैहिस्सलाम साथ हैं, सफर इतना लंबा है, हज का सफर है, तूने सामान घुमा दिया, बड़ा गुस्सा होने लगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखो ये क्या कर रहे हैं, मुहर्रिम है, मुहर्रिम होने के बावजूद क्या कर रहे हैं। अच्छा, जब सामान गुम हो गया और दूसरों को मालूम हुआ साथी को, तो किताबों में लिखा है फजाला असलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनकी आज को जब खबर हुई कि नबी अलैहिस्सलाम का सामान गुम हो गया तो वो हलवा लेकर आए, नबी अलैहिस्सलाम को पेश फरमाया। आप नोश फरमा लीजिए, नबी अलैहि सलाम ने हलवा लिया और अबू बकर सिद्दीक को फरमाया, देखो इन्होंने कितनी उम्दा गुजार दी थी। लेकिन अबू बकर अभी तक गुस्से के ही धार फरमा रहे थे, उनका गुस्सा खत्म नहीं हुआ था। तब नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, अबू बकर छोड़ो, तसल्ली रखो, ना मामला तुम्हारे हाथ में ना मामला मेरे हाथ में, मामला तो किसी और के हाथ में, मामला ना तुम्हारे हाथ में है ना मामला मेरे हाथ में। परेशानी आती ही है, आप कितना ही इंतजाम और इंतजाम कर लें, वीआईपी छोड़ वीवीआईपी कर लें, कुछ भी कर लें, आला से आला इंतजाम कर लें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी आती है, क्योंकि मामला ना हमारे हाथ में है ना टूर ऑपरेटर के हाथ में, मामला तो अल्लाह के हाथ में। जब नबी अलैहिस्सलाम का सामान हो सकता है तो छोटी मोटी कोई परेशानी सफर में सबको आ सकती है, सुन्नत पूरी होती है जब भी परेशानी आती है, परेशानी होना चाहिए। एक बात तो ये यहाँ से आप मालूम हो रही, दूसरी बात क्या मालूम हो रही, जैसे ही मालूम हुआ कि मेरे साथियों में से किसी का सामान गुम गया, परेशानी आ गई, तो बाकी लोग आगे बढ़े, किसी ने कहा ये ले लीजिए, किसी ने कहा ये ले लीजिए। सफर में किसी को जरूरत पेश आ जाए तो ग्रुप वालों को चाहिए दूसरे की मदद करें, तआवुन करें, ये सहाबा की सुन्नत पूरी हो जाए, सफर इसी तरह खुशियों से मोहब्बत से जुड़ जाता है। और एक बात और, क्या जैसे ही नबी अलैहि सलाम के पास हलवा आया तो आपने सिद्दीक अकबर उनको दावत की बुलाया, कहा देखो कितना उम्दा अल्लाह ने जो है ना सिलसिला कर दिया और उम्दा गिजा मुहैया कर दिया। इसमें क्या था, इसमें एक तो एक अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र कि भी तकलीफ हो गई, चीजें अपनी गायब हो गई, अल्लाह ने भेज दिया, अल्लाह ने इंतजाम कर दिया, एक अल्लाह का शुक्र, और दूसरा लाने वाले की हौसला अफजाई हो गई। यहाँ से पॉइंट और निकलता है, घर में कहीं हम अपने घर में खाना खाएं, खाना अच्छा रहे, मजा आए, किसी के घर में मेहमान बने, वहाँ खाना खाए, मजा आए, तो घर वाले की तारीफ जरूर करें और अपनी बीवी की तो ज्यादा तारीफ करते हैं, क्योंकि आए तो आपने बहुत ही अच्छा खाना खाया, ताकि दोबारा भी अच्छा खाना मिले। इस तरीके से हौसला अफजाई करना और दिलजोई करना, ये नबी अलैहि सलाम का तरीका। यहाँ से निकले तो पांचवी मंजिल अगवा थी, वहां पर आपने क्याम फरमाया। अगवा कौन सा मकाम है, जहाँ पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा मदफून है। नबी अलैहिस्सलाम छोटी उम्र में थे, अपनी अम्मी के साथ मदीना तैयबा की तरफ आए थे, वापसी के ऊपर उनमें अहमद साहब थी, नबी अलैहिस्सलाम थे और बीबी आमना थी, बीबी आमना का इंतकाल हो गया तो वहीं उनको भी तदफीन कर दी गई। फिर नबी अलैहिस्सलाम और उम्मे अमन मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले गए। यहाँ आपकी खबर भी है, कहाँ ये मंजिल बनाई गई। यहाँ एक यहाँ ना दो वाकयात और पेश है।
वो भी समझने से और उससे भी हमें सबक लेने लगते हैं। तो वाकया क्या था, हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा नबी सलाम की अहलिया हैं, उम्मत की माँ हैं, और आपकी सवारी बहुत उम्दा थी, ऊँट नहीं आया, ऊँट जो था बहुत उम्दा था, सवारी बहुत उम्दा थी। अल्लाह की शान बीमार हो गई, जब बीमार हो गई तो नबी सलाम ने एक और सहाबिया ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा जो मोमिनीन थे उनके पास एक्स्ट्रा सवारी भी थी, अपनी भी थी एक और भी थी, तो उनको फरमाया कि तुम अपनी सवारी अपनी बहन को दे दो, तुम अपनी सवारी। अभी ये दो वाक़ात अलग अलग इस तरह से हैं, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला सफ़िया उनका ऊँट जो है वो बीमार हो गया, वो सबसे ज़्यादा उसमें सबसे अच्छा था। अब ये रोने लगी है और सफ़िया रो रही है, रो रही है, नबी अलैहिस्सलाम करीब आई, उनको तसल्ली दी, वो रोती रही, नबी अलैहिस्सलाम उनके आंसुओं को पोंछते रहे, ये काबिल है जो बीवी की दिलजोई कर रहा है, उनके आंसुओं को पूछते रहे। अब उनको नबी अलैहिस्सलाम की तवज्जो मिली ना, उन्होंने भी फिर अपना काम आगे बढ़ाया और रोती रही और रोती रही, आप तसल्ली देते रहे, वो रोती रही रोती रही। जब ज्यादा हो गया नबी अलैहिस्सलाम ने उनको डांटा भी और नबी अलैहिस्सलाम भी खामोश होकर वहां से तशरीफ ले गए और सहाबा को कहा भी समाज उतारो, लोगों को यहाँ पे हमारा रुकना नहीं चाहते। हजरत सफिया के साथ ये मामला हुआ, जैसे ही इनको मालूम हुआ ना कि नबी अलैहिस्सलाम नाराज हो गए, अब ये वाली बारी थी इनकी अपनी नबी अलैहिस्सलाम के साथ, जब इनको मालूम हुआ खाबिद नाराज हैं तो फौरी तौर पर उन्होंने हल तलाश करने की कोशिश की, अपनी आयशा के पास गई, कहने लगी आयशा अपनी बारी तुम्हें दुनिया की किसी चीज़ में भी कोई चीज़ लेके भी छोड़ नहीं सकती, जो महबूब के साथ मैसर आ जाए उसको छोड़ देना ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी नबी अलैहिस्सलाम उनसे नाराज महसूस हो रहे हैं, नाराजगी मामला लग रहा है, इस शब्द के ऊपर तुम्हें देती हूँ तो तुम मुझे नबी अलैहिस्सलाम का जो मामला है ना, नबी अलैहिस्सलाम उनसे राजी करवा दें, हमें आशा है। ठीक है, खुश हो गई, उन्होंने तैयारी की बहुत खुशी के साथ, नबी अलैहिस्सलाम की जब खेमे में आई सलाम और आयशा है तुम्हारी बारी तो नहीं, हमारे सारी का फजल होगा ये मैं शायद अल्लाह का फजल है जिसे अल्लाह आता फरमा दे, और फिर बता दिया कि इस तरह आप की रजा जोई के लिए उन्होंने मामला किया ताकि आप दिल से माफ कर दें राजी हो जाए तो ये मामला खत्म हो। तो देखें बीवी को तकलीफ हुई गम आया तो शोहर आपको पूछ रहा है तसल्ली दे रहा है, और जब शोहर को देखा कि शोहर रंगीन है, अब बीवी क्या है वो शोहर को राजी करने के तरीके पर, अगर आज मैं बीवी के अंदर ये सिफात पैदा हो जाए एक दूसरे को राजी करने के तरीके तलाश करना और राजी करने की फिक्र करना, जिंदगी कितनी खूबसूरत, ये सफर के अंदर क्या मामला है। और नबी अलैहिस्सलाम तो वक्त के नबी हैं, आज तो हम अपनी बीवी को नरम बात करना अपनी तौहीन समझते हैं, हालांकि ऐन सुन्नत, इस सुन्नत के ऊपर अगर अमल हो जाए तो बहुत से घर बच जाए, लेकिन हमें इसकी फिक्र नहीं। अच्छा, तो दूसरा वाक्य पेश आया, नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि ज़ैनब तुम्हारे पास कौन फालतू है, तो अपना और सफ़िया को अपनी बहन सफ़िया को दे दो, दोनों उम्मुल मोमिनीन हैं। वो कहने लगी अपना ऊँट मैं यहूदन को दे दो, सफ़िया जो थी सफ़िया सफ़े में जो लड़ाई लड़ाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये हज़रत हारून और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी, यहूदन को सब नाम दे दो, नबी अलैहिस्सलाम ने जुमला सुना तो फिर खामोशी इख्तियार फरमाई और उनसे बातचीत बंद की, तहम उन्होंने भी फिर अपने महबूब खाबिद को राजी करने के लिए एक बांदी हदिया की और माफ़ी भी मांगी और मामले को खत्म कर दिया। ये मामला घरेलू जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत जरूरी है। यही इसी मकाम के ऊपर एक मामला और पेश आया, पांचवी मंजिल अगवा है, यहाँ पे क्या हुआ, बास के काबू में बात लिखी हुई है कि एक सहाबी से अंजशा रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनके हाथ में ऊँटनियों की महार थी, ऊँटों की महार जिनके ऊपर औरतें बैठी हुई थी और तेजी से चला रही थी, स्पीड में जा रही थी, नबी रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया अंजशा आप गिनों का ख्याल करें, यानी औरत की नाजुक मिजाजी को महसूस करते हुए फरमाया कि आहिस्ता आहिस्ता चलो उनका ख्याल। यहाँ से क्या मिला कि सफर में हम अपनी बीवियों का बच्चों का बूढ़ों का कमजोरों का पूरा पूरा ख्याल रखें, उनकी रियायत रखें। भाई आपको तो मैराथन रेस में भी हिस्सा लेने का शौक होगा, दौड़ते हुए जा रहे हैं लेकिन पीछे तो लोग क्या कहते हैं बीमार हैं बूढ़े हैं, ये औरतें
उनको आप ख्याल नहीं कर रहे, उनको अपने मिजाज पे और अपनी रफ्तार पे चला रहे हैं। नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं सुना। साथ चलते हुए अब वो एक सफर हज का हो या जिंदगी का सफर हो, कमजोरों को साथ देना, उनको साथ रखना, ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हमारे सफर ये आप इन सवारियों के ऊपर आप गीने सवार हैं, मतलब क्रिस्टल समझ लीजिए, शीशे की चीज समझ लीजिए, तो इसका ख्याल रखें। इस तरीके से ये सफर चलता रहा तो क्षति जो मंगी थी उस्मान हुई। नबी अलैहिस्सलाम जब वादी उस्मान से गुजरे तो सिद्दीक अकबर से पूछा ये कौन सी वादी है, उन्होंने कहा उस्मान। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस वादी से हजरत हूद अलैहिस्सलाम और सालेह अलैहिस्सलाम गुजरे हैं और वो दोनों सुर पर जवान ऊंटों के ऊपर सवार थे। दोनों नबियों का मकाम वक्त अलग अलग है, एक पहले आए उनके बाद में आए। काम नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दोनों यहाँ से गुजरे अपने अपने वक्त पे गुजरे। यही उस्मान के ऊपर एक सहाबी सुराका रजी अल्लाह तआला अन्हु, सुराका बिन मालिक, इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम सलाम से अर्ज किया, हज पे जाने वाले इसको तवज्जो से सुने, फरमाया अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें हज के अरकान मसाइल ऐसे सिखाइए जैसे अभी हम पैदा हुए हैं, आज पैदा हुए। सुराका रजी अल्लाह अन्हु वही है जब नबी अलैहिस्सलाम सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु तशरीफ ले गए थे ना मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ, तो पीछे से काफिरों ने क्या कहा था, 100 ऊंट मिलेंगे जो खबर यानी के जो खबर लाए या जिस तरह गिरफ्तार करके लाए जिस तरह भी लाए, तो ये 100 ऊंट की लालच में तलाश में निकले और भी लोग जगह जगह निकले थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम तो यही पहुंचे। जब करीब पहुंचे तो घोड़ा उधर धस गया, फिर उन्होंने माफी मांगी, घोड़ा बाहर आ गया, फिर उन्होंने कहा अच्छा ट्राई करो, फिर धस गया। उन्हें से यकीन आ गया कि देखो मैं बेहतरीन शख्स सवार हूँ और ये घोड़े का दसना ये मेरी है, घोड़े की मंसूबेदारी मामले को जवाब। उन्होंने माफी मांगी, वादा किया कि अच्छा ठीक है मैं अब यहाँ भी किसी को नहीं आने दूंगा, पीछे से भी आपको बैकअप पूरा करूंगा और आप मुझे उसे माफ कर दो, अब मैं आपके खिलाफ हूँ। बाहर निकल रहे हैं और उनको खबर दे रहे हैं कि किसरा बादशाह एक एस्टैब्लिश गवर्नमेंट उसके बादशाह के कंगन तुम्हारे पास पहुंच गए। ऐसा यकीन था अपनी पोजीशन अभी क्या है, लाई अपना घर छोड़ के शहर छोड़ के जा रहे हैं, खबर क्या दे रहे हैं कि जब तक मिले और लोगों ने देखा हमारे फारूक नजर के जमाने में वो फतह हुआ और कंगन आए तो इधर हमारे फारूक ने उनको पहनाए और उन्होंने लोगों को दिखाए। ये हमारे किताबों में वाकई मौजूद है, हम सब ने सुना है, कितने हैं बैठे यहाँ पे हम सब ने सुना है। मेरे भाई जिस तरह ये वाक्य सच्चा है, इसी तरह फरमाया जन्नत की नियमत भी सच्ची मिलकर रहेंगी, और लोगों को माफ करना सीखे, लोगों को माफ करना सीखे। कल सुबह एक खातून का व्हाट्सएप आया कि जी उनका वो मसला किसी से चल रहा था, बहुत जुल्म हुआ उनके तफसीरा का वक्त नहीं कि जी मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने कभी माफ कर मैं कभी माफ नहीं करूंगी। मैं भी जी जा गया उनका भाई मत माफ माफ मत करो माफ, लेकिन दो कैफियत है ना भाई, अगर तुम माफ कर दोगी अपनी जिंदगी को सुकून गुजारोगे, नबी अलैहि सलाम की सुन्नत पर अमल होगा, हक पर होने के बावजूद झगड़ा खत्म कर देना, जन्नत में महल तुम्हें मिलेगा और जितनी नियमतें अभी तुम्हारे पास हैं उन सब को एंजॉय कर सकोगे, जितनी खुशियां नियमतें अभी हैं उन सब को एंजॉय कर सकोगे, जिंदगी मजे से गुजार सकोगे। एक तो ये रास्ता है माफ करने के बाद, दूसरा रास्ता है कि हर चीज माफ ना करो, ठीक कर रही है बिल्कुल माफ ना करो, होगा क्या डिप्रेशन की गोलियां भी खुद खाओगी, इंतकाम और बदले की आग में जल्दी रहोगी, जन्नत का महल गया, नबी का तरीका गया, और जितनी नियमतें तुम्हारे पास अभी मौजूद है ना उस इंतकाम हसद बदला गुस्से की आग में जाकर उन तमाम नियमतों की खुशियों से महरूम जिंदगी गुजारो। फैसला कर लो जो कर ना करो करके अपने आप को बंदा हल्का करना, रहा किसी ने अगर जुल्म किया है वो अल्लाह का मामला है, उसके साथ उसको
उनका बदला मिलेगा, तो दुनिया में मिले आखिरत में मिले, कब मिले वो अल्लाह जाने, वो जाने। हमें क्या करना है इसको सोचना, हमें लोगों को माफ करना। तो बहरहाल यहाँ पे सरात रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरे सलाम से अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आप हज इस तरह सिखाइए कि आज ही हम पैदा हुए हैं। उन्होंने ये नहीं समझा कि चलो हम तो ये समझ लेते ना, किसे पूछो वो नहीं, जिनके साथ मैंने कही उससे मेरी बात हुई, तो जिनके साथ हज किया ना वो कितने अरसे से हज का ग्रुप लेके जाते हैं, हमें क्या जरूरत है सीखने की। वो तो सोच सकते हैं नबी सलाम के साथ जा रहे हैं, जैसे जैसे आप कर रहे हैं वैसे वैसे हम भी कर लें, क्या हो जाएगा। ये तालीम तो नहीं है, सीखना हर आदमी का अलग अलग सीखना। वो हज ऑपरेटर टूर ऑपरेटर 70 दफा जा चुका हो, कितनी दफा जा चुका हो, उसका मामला है, हमें से हर एक को सीखने की जरूरत है। इसके बाद जो अगली मंजिल थी वो सर्फ है। नबी सलाम ने वहाँ प्याप फरमाए, मक्का मुकरमा से बहुत करीब है। यहाँ का एक अजीब वाकया है कि जब नबी सलाम पहले उम्रे के लिए तशरीफ लाए थे, एक मरतबा वो तो मैमूना रजी अल्लाह तआला अन्हु से यहाँ निकाह हुआ था, और उम्रे से वापसी पे वहाँ एक जगह पर रुख्सती हुई थी, और जिस दरख्त के नीचे रुख्सती हुई थी वहीं पर का इंतकाल भी हुआ है, तस्वीन भी उनकी वहीं पर। जो लोग मदीना से मक्का और मक्का से मदीना आते जाते हैं तो ये करीब दारुल हिजरत के ऊपर चेक पॉइंट है, उसको नुक्ता कहते हैं, उसके करीब भी ये जगह है, बिल्कुल ऑन द रोड फुटपाथ के साथ जुड़ी हुई, तो आते जाते बहुत आसानी से वहाँ रुका जा सकता है और सारे सवाब किया जा सकता है। और जो ड्राइवर होते हैं बस के लिए या टैक्सी के, उनको भी तकरीबन एक होता है उनसे बात कर लीजिए, तो वहाँ वो चंद सेकेंड्स के लिए गाड़ी को स्लो कर देते हैं, रोकना बहुत मुश्किल होता है और उतरना तो मुमकिन ही नहीं है, लेकिन उस जगह की ज़्यारत और वहाँ इसारे सवाब करना, ये मौका हो तो एक बड़ी नेमत है। नबी अलैहिस्सलाम की दुआ है, उम्मत की माँ है, हमारी माँ है। अच्छा, यहाँ एक और मामला पेश आया सर्फ के मकाम के ऊपर। अपनी आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा को हैज शुरू हो गए, तैयार शुरू हो गए, ये रोने लगी, परेशान हो गई, मेरे हज का क्या होगा, अब मैं क्या करूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको तसल्ली दी और आपने उसी हालत में हज को मुकम्मल किया। तो यहाँ क़यामत तक के लिए औरतों को तसल्ली हो गई कि कोई परेशानी की जरूरत नहीं, हज को अल्लाह ने आसान कर दिया, ये तवाफ या नफिल नमाज का नाम नहीं, ये तो मीना मुज़दलिफा अरफात और खासतौर से अरफात के मैदान में पहुँचने का नाम है, असल तो हज वही है। इसमें बूढ़ा हो, मर्द हो, औरत हो, बीमार हो, किसी भी पोजिशन पे हो, नमाज पढ़ने वाली हो, औरत बिना हो, तमाम सूरतों में इसका हज मुकम्मल हो जाता है। ये तसलियाँ और साथ साथ मामला आते चले गए। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने ज़िक्र हुआ एक मकाम है, उसको आकर आबाल ज़ाहिर कहते हैं, वहाँ आपने क़याम फरमाया और रात गुजारी, और अगले दिन मक्का मुकरमा दाखिल होने से पहले आपने गुस्ल फरमाया। और अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब जब उम्रे के लिए हज के लिए मदीना मक्का तशरीफ लाते, ज़िक्र हुआ के मकाम पर रात को क़याम फरमाते, आराम करते, और अगले दिन सुबह गुस्ल करके फिर मक्का मुकरमा दाखिल होते। नबी अलैहिस्सलाम इहराम में हालत इहराम में आपने गुस्ल किया, मक्का दाखिल होने से पहले भी किया और आगे भी कई मौकों पर आपने एहराम की हालत में किया। तो यहाँ से मालूम हो गया कि एहराम की हालत में गुसल करना ये जायज है, बिला कराहत, कोई परेशानी की बात नहीं, बल्कि मक्का मुकरमा दाखिल होने से पहले तो सुन्नत के मुस्तहब भी है। नबी सलाम ने किया, बस सहाबा ने इसको मुस्तहब रखा। अब हम गाड़ियों में जाते हैं आजकल के जाने वाले, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि इसी जगह पर रुकें, तो ये क्या करें। अगर आसानी हो, मुमकिन हो, तो जद्दा में एहराम की हालत में वहाँ गुसल खाने बहुत बने होते हैं, वक्त भी खूब होता है, गाड़ी में इंतजार में वक्त भी लगता है, तो अगर कोई नहाना चाहे तो नहा सकता है, तहम वाजिब नहीं है, अगर कोई आसानी से नहाना चाहे तो नहा सकता है। यहाँ से जब मक्का की तरफ चले तो वादी अजरफ से गुजरते हुए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गोया मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देख रहा हूँ, तो तलबिया पढ़ रहे हैं, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हैं, गोया कि मैं देख रहा हूँ। नबी अलैहिस्सलाम आला मक्का की तरफ से दाखिल हुए, जिसको आज मुआवदा कहा जाता है। जब दाखिल हुए तो ऊंचाई की तरफ से, और जब निकले तो उदय मिसबला की तरफ से निकले, एक तरफ से आना हुआ और एक तरफ से जाना हुआ, अलग अलग। बहरहाल जब नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद हराम में तशरीफ लाए तो बैतुल्लाह शरीफ को देख के ही हाथ उठाए और दुआ मांगे। बैतुल्लाह शरीफ जब पहली नजर पड़े, उस वक्त दुआ मांगना कबूलियत दुआ का यह मौका है। इमाम क्या मांगे, अपने लिए हिदायत, अपनी औलाद के लिए खैर, पूरी उम्मत के लिए हिदायत, अपने मुल्क के लिए आफियत, हर चीज़ का सवाल, उम्मत के लिए खैर बरकत का सवाल करें।
एक मर्तबा एक शख्स ने इमाम आजम इमाम अली पर रहमत से पूछा, पहली दुआ में हम क्या मांगा करें। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात बयान फरमाई, कहने लगे कि पहली दुआ में ये मांग लिया करो या अल्लाह, आज के बाद मैं जो मांगू वो जाता करूँ, आइंदा हमेशा की उम्मीद करवा दे, मुझे मुस्तजाब दावत करा दे अल्लाह, आज के बाद जो मांगू बता सकता। तो खुद उससे मौके आता दुआ मांगने का, उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है, जब इंसान पहली मरतबा दाखिल हो रहा हो, हर दफा की बात नहीं हो रही, 40 दिन रह रहे हैं तो हर दफा फर्स्ट टाइम में दाखिल हो रहा है, तो निगाहें नीचे करके दाखिल हो, पैर सीधा पैर पहले अंदर रखते हैं, चलता चला जाए और कोई मुनासिब जगह उसको महसूस हो, नीचे उतर के आगे जाके काफी चलना पड़ेगा, लोगों के रास्ते से हट के एकदम बैतुल शरीफ की तरफ निगाहें उठाना, और उसमें अगर आगे झुक भी जाए तो मसला हो जाए तब भी मांगता रहे, अल्लाह की रहमत की बात बड़ी है कि आप झुकने से पहले की तो कबूल कर ले बात की रद्द कर दे कि आप तेरी झुकी क्यों, अल्लाह इंशाल्लाह ताकत मानने वाले हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला। पहले जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी उसके बाद तहियतुल मस्जिद नहीं पढ़ी, फिर तवाफ शुरू कर दिया, वहाँ की तहियतुल मस्जिद 2 रकात नहीं, वहाँ तवाफ, और तवाफ के लिए फिर आपने इस्तेलाम भी किया, और इस्तेलाम के लिए हजरत उमर फारूक नजर को मना किया था, फरमाया था उमर तुम जरा मजबूत आदमी हो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से किसी को बोसा ना देना, तो दूर से सलाम ही कर लेना, ऐसा ना हो कि किसी को तकलीफ। अम्मी आयशा जा रही थी तवाफ में, इस्लाम का मौका आया, फिर फातिमा साथ थी, उन्हीं लोग हैं हजरत से, तो भीड़ है, मैं कहूँ आप उन्हीं हैं तो हटा दूँ सबको, नहीं नहीं सलाम किया उसको, आसानी अल्लाह ने रखी है, आप नीचे हैं पहली मंजिल पे छत पे हैं कहीं, अल्लाह ने आसानी रखी है, बोसा देने के लिए किसी को तकलीफ देना ये चीज की इसका गुनाह भी, और आजकल तो महरम ना महरम का भी कोई मसला नहीं, सब बीच में मिक्स है, तो गुनाह है कबीरा वो भी अल्लाह के घर के बिल्कुल नीचे, खुदा के घर के साये में नाफरमानी हो रही, तो उसमें सलाम का रास्ता अल्लाह ने खुला रखा है, ये फ्लाइंग फिश की माने में तो काम पूरा हो गया, अल्लाह फैसला इंसान आगे चले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र का तवाफ शुरू किया तो पहले 3 चक्करों में आपने रमल किया, रमल क्या होता है, तेज कदम, जरा तेज नहीं दौड़ना नहीं है, थोड़ा तेज कदमों के साथ पहलवानों की तरह अकड़ अकड़ कर चलना। कुछ लोग थे जो मुसलमानों को उसको देख रहे थे, तो उनको दिखाने के लिए कि मुसलमानों के साथ शान और शौकत क्या, और आपने इस्तेबा भी किया, इस्तेबा क्या होता है कि जो चादर पर डली गई ये दाया कंधा नंगा कर लिया और नीचे से इसको आगे डाल दिया, और ये तवाफ के दरमियान है, ये यहाँ से नहीं है कि लाहौर से उन्होंने एहराम बांधा और साथ ही एहराम मतलब इस्तेमाल भी कर लिया। एक हाजी साहब से पूछा गया तो जी आप क्या कर रहे हैं, तो वहां जाकर कोई हाजी लगना भी तो चाहिए ना, यूं करूंगा तो हाजी लगूंगा, इसको पहले निकल कर कोई हाजी लगना नहीं, हाजी अदा करना है, मुकम्मल करना, तो ये वहां का मामला है। अच्छा, रमल के अंदर एक बहुत खूबसूरत बात है, वो ये है कि रमल करना सुन्नत है, क्यों, कुछ लोग देख रहे थे मुसलमानों को ईमान की और इस्लाम की शान और शौकत जाहिर करनी थी, ये रमल सिर्फ तवाफ में नहीं है, इंसान सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारे, सब से लेके पांव तक मसनून लिबास में आ जाए, ये शान और शौकत से जिंदगी गुजारने वाला है, जो काफिरों के दिल के ऊपर भारी है, जो मर्द या औरत मसनून जिंदगी गुजार रहा है, उसका लिबास सुन्नत के मुताबिक, किरदार सुन्नत के मुताबिक, मिजाज सुन्नत के मुताबिक, ये ऐसा ही है कि इसका अमल और इसका पगड़ी पहनी हुई है सुन्नत के मुताबिक लिबास हो, तो ये काफिरों के सामने रमल ही की मानेंगे, इसका उनके ऊपर आज भी असर होता है। तो हम पूरी इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपने लिबास को बनाएं, इसकी जिंदगी की बात ही कुछ होगी। अगर तवाफ पूरा हो गया, 7 चक्कर मुकम्मल हो गए, तो नबी अलैहि सलाम मकाम इब्राहिम पर आए, उनकी आयत तिलावत फरमाई, वत्तखिदु मकाम इब्राहिम मुसल्ला, और आपने फिर वहां 2 रकात वाली जो तवाफ अदा की, और यहां भी पहली रकात में सूरह काफिरून है और दूसरी में सूरह इखलास है, तवाफ के 2 रकात अदा हो गए। इसके बाद नबी अलैहि सलाम ने हजरत अस्वद का एक और इस्तेलाम किया, फिर आप बाब सफा की तरफ चले गए और सही की इब्तिदा शुरू की। जब सही की इब्तिदा शुरू करने लगे तो फरमाया कि मैं सही से शुरू करूंगा कि अल्लाह ने सफा मरवा, सही को मैं सफा से शुरू करूंगा कि अल्लाह ताला ने सफा का पहले जिक्र फरमाया है, इन्ना सफा वल मरवा मिन शाआइरिल्लाह, ये आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा कि मैं सफा से शुरू करूंगा कि अल्लाह ने पहले सफा को जिक्र फरमाया, मरवा को बाद में जिक्र फरमाया। तो
पहाड़ी के ऊपर चढ़े और उधर एक माई की और एक मुनासिब रफ्तार से आप चलना शुरू हो गए। जब दरमियान में वो जगह आई जहाँ दो सब निशान आ लगे तो उसको मेले में जरे कहते हैं, उस जगह पर जब आए तो तेज चलते फिर बाद में नॉर्मल रफ्तार से चलते और दुआओं का इंतजाम रहा और सही मुकम्मल हो गई। जब सही मुकम्मल हो गई तो नबी अलैहि सलाम ने सहाबा को एक पता ही हुक्म इरशाद फरमाया कि देखो जो लोग अपनी कुर्बानियों के जानवर साथ लाए हुए थे ये लोग अहराम ना खोलें, ये लोग अहराम में रहें यानी ये लोग हजरत अहराम करेंगे। और जिन लोगों के साथ अहराम में सवारी के कुर्बानी के जानवर नहीं ये लोग अपना अहराम खोल दें, सर मुड़वा लें और दूसरे कपड़ों में आ जाएं। तो हज तवत्तो बाद सहाबा ने किया और बाद में हज प्लान किया। अच्छा जिन लोगों ने फिर हलफ करवाया उनके लिए नबी अलैहि सलातो वसलाम ने तीन मरतबा दुआ की, उमरा या हज पूरा करने के बाद सर मुड़वाना या हलफ करवाना ये एक अमल है, हलफ करवाना सुन्नत है, नबी अलैहि सलाम ने हमेशा हलफ करवाया और तीन मरतबा नबी अलैहि सलाम की दुआ हलफ करवाने वालों के लिए और कसर करना जायज है कि उसके लिए दुआ भी एक मरतबा। तो इतना सब कुछ कर लिया नबी अलैहि सलाम की दुआएं ताज़ा रहने की जरूरत होती है। यहीं पे अली रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी अलैहि सलाम से आके मिले, नबी अलैहि सलाम ने इनको यमन भेजा हुआ था कि वहाँ ज़कात सदक़ात वसूल करने नबी अलैहि सलाम की जानिब से गए हुए थे, वहाँ उनको इत्तला मिली नबी अलैहि सलाम हज के लिए हैं, आप मदीना से यहाँ पहुँचे मक्का और वो यमन से मक्का पहुँचे, फिर नबी अलैहि सलातो वसलाम के साथ शामिल हो गए। नबी अलैहि सलातो वसलाम चार दिन वहाँ ठहरे मक्का के बाहर किसी जगह के ऊपर, चार दिन ठहरे और चारों दिन आता है कि ये भी मौजूद है कि मक्का आते रहे तवाफ करते रहे, बहर चार दिन का आपका क़याम रहा और फिर एक दिन बाबे काबा के पास नबी अलैहि सलातो वसलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया। उस खुतबे में आपने अलामात क़यामत को तफसीली बयान फरमाया और ये भी फरमाया कि नमाज को ज़ाया करना, नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करना यानी जो दिल में आए बस वो करना, खयानत पेशा हाकिमों और बदकार वजीरों का आ जाना, क़यामत की तौर पर ये सब कुछ हो। इसकी तरतीब भी देखें ना, तो पहले फरमाया नमाज को ज़ाया करना और ख्वाहिशात की पैरवी करना, ये दो चीज़ें जब आ जाती हैं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर अगली दो चीज़ें भी बता दी, ये सब कुछ हो रहा होगा और आज वोट देने वाला हो या वोट मांगने वाला, नमाज को ज़ाया करना और नमाज ख्वाहिशात के पीछे चलना ये अमूमी तौर से चलना, जब ये मामला है तो साथ साथ ये भी बता दिया कि जिन दिनों में ये हो रहा होगा उन्हीं दिनों में ये भी होगा कि जो हाकिम होंगे ये खयानत वाले होंगे और वजीर होंगे ये बदकार कस्म के होंगे, आमाल का ताल्लुक है सारी चीज़ों से। बहरहाल ये उम्र मुकम्मल हुआ, चार दिन का जो वक्त था ये नबी अलैहि सलाम ने वहाँ गुजारा। आठ ज़ुल्हज्जा जुमेरात का दिन हज का पहला दिन, हज के जो छः दिन हैं पाँच भी हैं लेकिन नबी अलैहि सलाम ने छः दिन वाला हज जो छः दिन थे उसका पहला दिन आठ ज़ुल्हज्जा जुमेरात का दिन था और नबी अलैहि सलातो वसलाम ने मक्का मुकरमा से मीना जाने का इरादा किया। वो तमाम सहाबा जिनका अहराम पहले से था जो कुर्बानी के जानवर साथ आए थे नबी अलैहि सलाम को भी आपको अहराम बंधा हुआ था लेकिन वो जिन्होंने अहराम खोल दिए थे उन्होंने फिर मक्का मुकरमा से मकाम अक्ताह से अहराम बांधा, मक्का मुकरमा से अहराम बांधा, अभी सब लोग मीना की तरफ रवाना हुए। मीना में पांच नमाजें अदा की, हज का पहला दिन मीना में करने का क्या काम, पहले दिन एक ही काम पांच नमाजें अदा करनी, जोहर से शुरू होगी और नौ की सुबह फजर तक पांच नमाजें, जोहर असर मगरिब ईशा और नौ की सुबह की फजर, ये पांच नमाजें जो हैं ये मीना में अदा करनी। इसी रात जब नबी अलैहि सलाम मीना में थे तो सूरह मुर्सलात नाज़िल हुई नबी अलैहि सलातो वसलाम के ऊपर, उस बार में नाज़िल हुई उस बार को बारे मुर्सलात कहते हैं। अब जुमे का दिन था, ये हज का दूसरा दिन था और हज के दूसरे दिन नबी अलैहि सलातो वसलाम अराफात के लिए रवाना हुए, मैदान अराफात के लिए। तुम अफीदु मिन हैथु अफादु अन्नास, कुरैश के जो लोग थे ना, अब यहाँ बहुत समझने की बात है, वो कुरैश के लोग थे ये मुज़दलिफा तक जाते थे अराफात नहीं करते, उन्होंने सोचा था कि शायद नबी अलैहि सलाम भी मुज़दलिफा से वापस आ जाएंगे लेकिन नबी अलैहि सलातो वसलाम ने हज के इस अमल में मुशरिकीन मक्का की पूरी पूरी मुखालफत की और अराफात गए जैसे कि हज का सिलसिला था, वहाँ के इलाके के रिवाज को नहीं देखा, कुरैश की बात को नहीं देखा कि मेरे कबीले का रिवाज ये है,
नहीं ये नहीं देखा कि मेरे अल्लाह का हुक्म क्या है, इसमें वोट देना है तो मेरे कबीले को भी देना, मेरे अल्लाह को देते हुए देना। नबी अलैहिस्सलाम अराफात की तरफ तशरीफ ले गए और दब का रास्ता जो है वो आपने पसंद फरमाया, जो पहाड़ी है इसके साथ साथ रास्ता था चले गए। नबी अलैहिस्सलाम मैदान अराफात पहुंचे, जब जवाल आफ्ताब हो गया तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसके बाद रुकूफ अराफा का मामला शुरू किया, गुसल भी किया, जवाल के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने गुसल किया और सवारी पर ही आपने जो है वो दुआओं का एहतमाम किया और एक खुतबा भी दिया। नौ दुल्हज्जा हज का दूसरा दिन है, इसमें रोजा रखना नबी अलैहिस्सलाम का रोजा था कि नहीं, क्योंकि अय्याम दुल्हज्जा बड़े कबूलियत वाले हैं और बड़ी फजीलत नबी अलैहिस्सलाम ने बताई थी, इनके रोजे बहुत बरकत वाले हैं, अल्लाह के यहाँ बड़े मकबूल हैं। अब नबी अलैहिस्सलाम का एहराम की हालत में रोजा है कि नहीं, इसको चेक करना था, इसको मालूम करना था। तो सहाबा ने बहुत खूबसूरत मामला किया, उमर उमुल फजल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को हदीये में दूध पेश किया, दूध पेश किया। उलमा लिखते हैं कि दूध का इकरार मना है, पानी पेश करते पीते पीते ना पीते ना पीते उसको मना करने की गुंजाइश होती है इंसान के, दूध को फरमाया गया इकरार में दोनों, फरमाया कि अगर रोजा होगा तो मना हो जाएगा और रोजा नहीं होगा तो गोश्त फरमाएंगे। तो जैसे ही आपने देखा दूध है, आपने पहले सलाम ने दूध को लिया और गोश्त फरमा लिया, यहाँ से मालूम हुआ कि नौ जुल्हज्जा का रोजा हाजी के लिए अफजल नहीं, हाजी के लिए रोजा न रखना अफजल है। कोई जो लोग नहीं है नहीं जा रहे हज पर, उनके लिए नौ का रोजा रखना कोई फजीलत का वायस है, लेकिन हाजी ने दुआएं मांगी है, चाहे गांव उसके पास है सफर में है, उसके लिए उस वक्त रोजा न रखना सुन्नत नहीं, रोजा न रखना सुन्नत है, रोजा रखना सुन्नत है। पहला नबी अलैहिस्सलाम सवारी पर सवार थे और खूब दुआएं मांगी, वहीं अहले नजद के कुछ लोग नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें हज के बारे में पूछा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हज तो वुकूफ अरफा का नाम है, हज अरफा, ये वुकूफ अरफा ही हज है। नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत के लिए दुआएं मांगी, इतनी दुआएं मांगी कि अल्लाह ताला से ये भी कहा, अल्लाह मेरी उम्मत के जालिम को भी माफ फरमा, इस तरह की नबी अलैहिस्सलाम ने दुआएं मांगी। जब मैदान अराफात में नबी अलैहिस्सलाम के साथ एक सवारी एक साहब थे, सहाबी थे हज पे, वो सवारी से नीचे गिरे अपनी सवारी से और उन्हें बिठा दिया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इनकी तस्वीर कर दूँ। तो हज के मौके पे किसी का इंतकाल हो जाए तो कई चीज़ें बताई, एक तो फरमाया उसके लिए क़यामत तक हज होता रहेगा, एक फरमाया मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत करूँगा, एक फरमाया क़यामत के दिन अमन वालों में से उठेगा, तो उसको फजीलतें भी नबी अलैहिस्सलाम ने बताई। अभी ये अरफा ही का दिन है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आयत नाज़िल हो असर की नमाज के बाद, जुमे का दिन है, नबी अलैहिस्सलाम ने दोहर और असर दोनों इकट्ठी अदा की, मुसाफिर थे आप तो दोहर और असर दोनों आपने इकट्ठी अदा की, और असर के बाद असर का वक्त था, उसके बाद जो आयत नाज़िल हुई कुरान की आयत नाज़िल हुई, अल्यौम अतममतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अलइस्लाम दीना, यानी आज के दिन को तुम्हारे लिए, यानी आज के दिन तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मैंने कामिल कर दिया और तुम पर मैंने अपना इनाम मुकम्मल कर दिया और मैंने इस्लाम को तुम्हारे दीन के तौर पर कबूल कर लिया। जिस वक्त आयत नाजिल हो रही थी तो वही का नज़ूल का बोझ इतना था, तो मेरे सलाम सवारी पर सवार थे, उस सवारी को लगा कि कुछ उसकी टांगे ने टूटे तो घुटने टेक दी, जब वही का नज़ूल होता था तो नबी अलैहिस्सलाम को बोझ को बर्दाश्त फरमाते, अल्लाह ने इतनी आपको कुव्वत और हिम्मत दी हुई थी कल्बी और रूहानी और जिस्मानी भी, लेकिन कभी किसी सवारी पर होते या किसी सहाबी की रान पर आपका असर मुबारक होता या जिस्म का कोई हिस्सा, तो उनके लिए एक मुश्किल मरहला हो जाता, लेकिन क्यों भी न जाए जिस्म का हिस्सा, इतना बोझ होता। पहला नबी अलैहिस्सलाम को कोई आयत नाजिल हुई, यहूद ने एक मरतबा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह से कहा था, जो तुम्हारे ये आयत नाजिल हुई है ना, ये वाली अल्यौम अतममतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना, अगर ये तौरात में हमारे लिए नाजिल हुई होती तो उस दिन मुईद का दिन करार है, हम तो खुशियां मनाते हैं, कितनी बड़ी अजीम आयत है, अल्लाह ने कामिल कर दी नेमत, अल्लाह राजी हो गए, अल्लाह ने दीन को पसंद कर लिया, इससे बड़ा और क्या इनाम होगा, हम तो यही मनाते हैं। उमर फारूक ने फरमाया कब नाजिल हुई, कहां नाजिल हुई, कैसे हुई, मैं सारा मालूम है, लेकिन उस दिन पांच महीने पहले ही नेमत हुई, किताबों में लिखा है कि जुमा अराफा यहूद की ईद, ईसाइयों की ईद और मजूसियों की ईद, ये पांच ईदें जमा थी जो उससे पहले भी कभी जमा नहीं हुई, उसके बाद भी कभी जमा नहीं हुई। जुमा मुसलमानों की ईद,
हाजियों के लिए अरफा का दिन ईद का दिन है और उस दिन यहूदियों की ईसाइयों की और मजूसियों की भी ईद थी। तो ये पांच ईदें उस दिन जमा थी। किताबों में लिखा है न उससे पहले ऐसा कभी मौका आया न उसके बाद। अच्छा जब ये आयत नाजिल हुई ना उम्र फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों रोते हो क्या सबब है रोने का। रोने का फरमाने लगे कि अब तक तो हमारे दीन में तरक्की का रुझान चल रहा था, ये मुकम्मल हो गया, मुकम्मल होने के बाद तो मामला बदल जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक कहते हो। और फिर साथ ही साथ ये भी गम था कि नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस मकसद के लिए भेजा गया था मकसद पूरा हो गया था। जो काल हिरा से सिलसिला शुरू हुआ था उम्मत को तौहीद की दावत देने का, वो दीन अल्लाह ने पूरा नाज़िल फरमा दिया था। तो सहाबा को इमाम लग गया था उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु बाद सहाबा को कि इसके अंदर तो नबी अलैहि सलातो सलाम की जुदाई की खबर है। इसके बाद सूरह नज़र की नाज़िल हुई इदा जा रसूलुल्लाह अल फतह, उससे भी सहाबा को यही अंदाजा हुआ कि नबी अलैहि सलातो सलाम की जुदाई का वक्त करीब आ गया। तो जो वक्त था जिसके लिए नबी अलैहि सलातो सलाम तशरीफ लाए थे, जो काम था मुकम्मल हो गया। नबी अलैहि सलाम ने बाकायदा अराफात में मुसलमानों से गवाही मिली क्या मैंने हक अदा कर दिया, तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया। और ये गवाही रात के अंधेरे में नहीं ली गई, तन्हाइयों में नहीं ली गई, ये दिन के उजाले में ली गई, सवा लाख सहाबा के मजमे में ली गई क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम्हें पहुंचा दिया। सहाबा ने अर्ज किया पहुंचा ही नहीं, पहुंचाने का हक अदा कर दिया। मेरे सामने फरमाया रसूल अल्लाह अल्लाह को गवाह है अल्लाह को कि मैंने तेरे जिम्मेदारी को पूरा कर दिया। उसके बाद नबी अलैहि सलातो सलाम ने जिम्मेदारी उम्मत के लोगों को पर डाली, फरमाए कि जो मौजूद हैं वो गायबीन तक इस काम को पैगाम को पहुंचाएं। नबी अलैहि सलाम ने तमाम सहाबा को हदीस रिवायत करने का इजाजत नामा दे दिया, हुक्म नामा अता फरमा दिया। ये जो मुहद्दिसीन ने उसूल बनाए ना जरा और तादील के, ये रावी की परख के लिए ये रावी सही है कि गलत है, इनकी जिंदगी कैसी है, वो तो सीधा किसी सहाबी के लिए भी ये मालूम नहीं लागू होता। तो नबी अलैहि सलाम ने हर सहाबी को खुद इरशाद फरमा दिया कि तुम मेरी बात को सुनो और पहुंचाओ, जो आज मौजूद नहीं वो आगे तक पहुंचाएगा। तो जितने भी अहकाम हैं और परखने के जितने भी टेस्ट हैं वो सब उम्मतियों के लिए हैं, सहाबा के बाद जो लोग हैं सहाबा के लिए नहीं, क्योंकि तो खुद नबी अलैहि सलाम ने मंसूब रखा था। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब नबी अलैहि सलाम ने गुरूब हो गया, नमाज नहीं पढ़ी, मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी और माजमीन के रास्ते से वापसी शुरू कर दी और उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने पीछे बिठा लिया। अब सवारी चल रही है नहायत सुबूतों और पुरवकार अंदाज से सवारियां चल रही हैं। नबी अलैहि सलाम ने मार खींची भी थी, कभी कभी थी कि जल्दी के उठने का असर गुजारे से लग पड़ता और कभी नबी अलैहि सलाम देखते कि रास्ता खुला है तो उसको थोड़ी सी भीड़ दे देते, थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती और कहीं चढ़ाई आती ऊंचाई आती तो आप वहाँ को बिल्कुल ढीला कर देते कि इस जानवर को ऊंचा चढ़ने में तकलीफ ना हो। नबी अलैहि सलाम की जिंदगी में जानवरों का भी ख्याल है, तो घर में बीवियों का ख्याल ही। अल्लाहु अकबर। फिर क्या हुआ, सहाबा के अंदर एक जज्बा था, शौक था, नबी सलाम की मैयत में हज हुआ हुआ था, वो अंदर जो ईमानी कुव्वत और हरारत थी ना वो एक अजीब जो है जज्बा था। और अब हज के बाद कितने फजाइल पीछे सुने, फरमाया अल्लाह ने हाजी की भी मगफिरत फरमाई और जिसकी मगफिरत की हाजी ने दुआ की उसकी भी मगफिरत फरमाई, गुनाहों की माफ़ी के परवाने मिल गए। और अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना, इस्लाम की तकमील के नेमतों की तकमील के इस्लाम की पसंदीदगी के इतने वादे हो गए, सारा कुछ हो गया। एक जज्बा था, जोश था, बलबला था। अब क्या था, अब ये जब मैदान अराफात से मुज़दलिफा की तरफ चले ना उन्होंने देख दिखा नहीं, ऐसे सवारियां चल रही हैं। नबी सलाम ने फरमाया अलैकुम सकीना, सुकून और वकार के साथ जल्दबाजी की जरूरत, यानी ओवर स्पीड पे जाने की कोई गुंजाइश नहीं, वन व्हीलिंग की कोई गुंजाइश नहीं। ओवर स्पीड की वजह से या वन व्हीलिंग की वजह से अगर एक्सीडेंट होगा और मौत आएगी तो खुदकुशी का गुनाह मिलेगा, इसमें कोई बहादुरी की वजह से कोई मेडल नहीं मिलेगा, खुदकुशी की वजह से पकड़ हो सकती है। फरमाया अलैकुम सकीना, सुकून के साथ।
हमारी आंख हमारे कंट्रोल हमारे पास है तो सुकून के साथ। ये सब चीजें सीखने की है। नबी अलैहि सलाम चल रहे थे रास्ते में, एक जगह सवारी को रुकवाया, आपको पता है हाजत की पेशाब करना था, आपने पेशाब किया और फिर दोबारा जो हल्का फुल्का वुजू किया और फिर चल पड़े। तो रास्ते में उसामा रजी अल्लाह ने अर्ज किया, नमाज मगरिब को गुरु सूरज को गुरु को इतना वक्त हो चुका और अब नमाज का वक्त। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि नमाज का नमाज की जगह तुम्हारे भी आ गया है। क्या सिखाना था? मैदान अरफात में हाजी को सबक मिल रहा है, मैदान अरफात में हाजी को सबक मिल रहा है कि तुम दुरूद तो हो चुका नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज अब तुम्हें मुज़दलिफा जाके पढ़नी है और ईशा के वक्त में पढ़नी है। अगर कोई आदमी हेलीकॉप्टर करे उधर से मैदान अरफात से और 5 मिनट में मुज़दलिफा में उतर भी जाए और वक्त तो अगर अपनी मगरिब पर ईशा का दाखिल नहीं हुआ ईशा नहीं पढ़ सकता। क्या मतलब है बंदगी सिखानी है मेरे बच्चों? बंदगी सीखो, बंदे बनके जिंदगी गुजारनी है। हमारे हुक्म का मामला है। हाजी को तो देखे, मक्का को छोड़ दिया, मदीना को छोड़ दिया, इतनी चीजों को छोड़ दिया, वहां हज नहीं हो रहा, हज किधर हो रहा है? इधर मिना आ जाओ, मुज़दलिफा आ जाओ, इधर अराफात आ जाओ, उधर हज हो रहा है। यानी हमारे हुक्म की ताबीर करना तुम्हारे ऊपर है। जब हम कहें मगरिब के बाद नमाज पढ़नी है तो मगरिब के बाद नमाज पढ़ो, अगर उस दिन लेट कर दी ईशा के वक्त में पढ़ी तो गुनाहगार होकर तौबा करनी पड़ेगी। पर आज हमारा हुक्म ये है, आज मगरिब की नमाज ईशा के वक्त में पढ़नी है, बंदगी सिखाई जा रही है। मेरे बंदो बंदगी को सीखो। नबी अलैहि सलाम जब मुज़दलिफा पहुंचे तो वहां सवारी से उतर कर खूब जो है कामिल वुज़ू किया, फिर ईशा की नमाज और मगरिब की नमाज आपने अदा की और फिर जब रात का वक्त आया तो नबी अलैहि सलाम ने आराम फरमाया, सो मुज़दलिफा की रात आपने आराम। इसमें उलमा ने लिखा कि अगले दिन बहुत सारे काम थे, आपने आराम भी किया, उम्मत के लिए भी आसानी पेश कर फराहम हो फराहम कर दिए, भी थके हुए हों तो आराम भी कर सकते हैं, काम को तो हाजी पढ़ना चाहे तो हाजी पढ़ने की गुंजाइश मौजूद। अब अगला दिन जो है, अभी कौन से दो दिन गुजरे हमारे? 8 ज़िलहज्जा और 9 ज़िलहज्जा। 8 ज़िलहज्जा जो है हम के हज का पहला दिन था, एक काम था, अब मक्का से मीना आना। 9 ज़िलहज्जा को दो काम, मीना से अराफात जाना और अराफात से मुज़दलिफा आना। आज का एक दिन पहला दिन एक काम, दूसरा दिन दो काम। अब नबी अलैहि सलाम मुज़दलिफा में आ गए। मुज़दलिफा में नबी अलैहि सलाम ने उस दिन जो फजर की नमाज है वो रूटीन से जरा जल्दी पढ़ी, लेकिन फजर का वक्त दाखिल होने के बाद, जब फजर का वक्त दाखिल हो गया, तहज्जुद का वक्त खत्म हो गया, तो आपने जल्दी जो है वो फजर की नमाज लेकिन फजर के वक्त में पढ़ी। वहाँ ये बहुत मामला होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जल्दी ही नमाज अदा कर लेते हैं, टाइम का ख्याल नहीं रखते। तो उलमा ने फरमाया जब मक्का से निकलने लगो तो टाइम नोट कर लो कि फजर का वक्त क्या है, उसके 5-6 मिनट बाद 7 मिनट बाद नमाज पढ़ो, ताकि हर तरह से आसानी हो जाए। और आजकल तो वो जो क्लॉक टावर बना है वो मुज़दलिफा से नज़र आता है, अजान होती है ना तो उसकी लाइटें चलती हैं, यहाँ पर फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को सबक दिया कि मुशरिकीन की मुखालफत करनी। हमने फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मक्का मुकर्रमा से मुशरिकीन और मुज़दलिफा से मुशरिकीन जो हैं, ये सूरज निकलने के थोड़ी देर बाद जब सामने सबीर पहाड़ी के ऊपर रोशनी तेज बुलंद हो जाती थी उस वक्त निकला करते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने मुशरिकीन की मुखालफत की और सूरज निकलने से चंद मिनट पहले रवानगी इख्तियार करी। जगह जगह नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को तालीम दी है अल्लाह मेरी उम्मत के लोगों को माफ़ फरमा, अल्लाह ने फरमाया सारों को माफ़ कर दिया,
जालिम को मैंने माफ नहीं। तो मैं अल्लाह ताला को अपनी तरफ से ना एक बात कह रहा था, अल्लाह आप मजलूम को जन्नत से इतना अता कर दीजिए, अपने पास से इतना अता कर दीजिए कि वो राजी हो जाए और जालिम को माफ कर दीजिए। तो मैं अल्लाह ताला से ये दरख्वास्त पेश कर रहा था, लेकिन अराफात में मेरी ये दुआ कबूल नहीं हुई और मुज़दलिफा में अल्लाह ने मेरी ये दुआ भी कबूल कर ली, मेरी उम्मत के जालिम को भी माफ कर दिया। जब शैतान को ये बात पता चली तो वो वाविला करने लगा, रोने लगा, अपने सर में मट्टी डालने लगा। मैंने उसकी उस कैफियत को देखा तो उस कैफियत में ले लिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज से गुनाहों की मगफिरत, ये बात तो ये इसका तो कोई शक नहीं, लेकिन इसके अंदर कुछ वजाहत भी है। अगर किसी की कला नमाजें बाकी हैं तो नमाज अदा करने का जो गुनाह था वो माफ हो गया, लेकिन कला नमाजें अदा करनी, जैसे एक आदमी से आपने 1 लाख रुपये उधार दिए, उसे कहा कि मैं आपको 3 महीने में वापस दे दूँ, अब 3 महीने की जगह 10 साल गुजर गए, अब उसको 2 गुम होंगे, एक तो पैसे नहीं मिले और दूसरा टाइम भी देना पड़ा। 10 साल के बाद आप जाए यार 1 लाख रुपये ले लो, अच्छा भाई तुम पैसे तो वापस दे रहे हो, तुम्हारा वो मसला मैं ठीक है, लेकिन जो ताखिर, अच्छा भाई ताखिर मुझे माफ़ कर दीजिए और पैसे ले लो। तो वहाँ 2 चीज़ें आएंगी, एक ताखिर की माफ़ी मांगनी पड़ेगी और हक अदा करना पड़ेगा। तो यहाँ भी इसी तरह है, अगर रोजे बाकी हैं या किसी का पैसा देना है, किसी का कर्जा देना है, तो हज करने से वो माफ नहीं हो जाएगा। किसी के दिल दुखाए हुए, दिल जलाए हुए, ऐसे नहीं हज करने से माफ होंगे, वो माफी अपनी जगह होगी, हक अदा करना अपनी जगह होगा। ये बात बहुत वाजे और साफ है, इसमें ऐसे नहीं कि हज करने के बाद बिल्कुल ही काम खत्म हो गया, किसी का हक देना है, चीजें बेचते रहे, वो चीज चाहने की थी उसमें जबान की मोहर लगा के बेचते रहे, मामला बहुत पड़े, उसके लिए तौबा, उसके लिए उलमा से पूछना पड़ेगा भी इसकी तलाफी में कहाँ से करूँ। हर चीज़ की तलाफी का अपना अलग अलग अंदाज हुआ करता है। तो बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम मुज़दलिफा से किस वक्त निकले थे, इसको याद भूल लें, सूरज निकलने थोड़ा सा देर पहले, क्यों? मुश्रिकीन मक्का के मुखालफत से। तो ये सिर्फ हज में नहीं, पूरी जिंदगी नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाया। ये रास्ते में एक वाक्य और भी आया, अरफात में या इसी सफर के रास्ते में, कि नबी अलैहिस्सलाम के पीछे आपकी सवारी में जो रजीफ थे हजरत अब्दुल्लाह हजरत फजल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे हुए थे, इसने भी एक औरत मसला पूछने आई जो बहुत खूबसूरत थी, हसीन व जमील थी, वो नौजवान थी, उनकी तरफ नजर पड़ गई। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने बारे खास में उनके सर को किसी को कर दिया, उनके चचे ने बात, नबी अलैहिस्सलाम के चचे ने पूछा, या फिर आपने अपने चचा का भाई की गर्दन रोक दी, फरमाया कि मैंने देखा जवान लड़का और लड़की हैं, मुझे इनके बारे में शैतान का खतरा हुआ कि कहीं वो कोई गुनाह न हो, कोई ऐसी बात न करवा दें, इसलिए मैंने ये काम किया। यहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम के पास एक खातून आई और पूछा, क्या मैं अपने बाप की तरफ से हज कर सकती हूँ, जो हज करने की इस्तेदाद नहीं रखते, हिम्मत नहीं है, चलने फिरने की भी हिम्मत नहीं है, और मैं यहाँ कर सकती हूँ। ये लोग अराफात के मैदान के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने एक और बात इरशाद फरमाई, फरमाया आज का दिन वो दिन है जिस शख्स ने अपनी नजर को काबू में रखा इसके गुनाह माफ कर दिए, मैदान अराफात में भी अपनी नजर की हिफाजत कर। ये नहीं कि हाजी हैं तो बहन भाई हो गए, जो मर्जी हो गए, कितने लोग ये बातें करते हैं कि वहां तो सब इकट्ठे तवाफ होता है, इसका मतलब ना वहां पर्दा है ना नजर की हिफाजत है ना कोई अखबार। नबी अलैहिस्सलाम को अराफात के मैदान में भी बात फरमा रहे हैं, आज के दिन जिसने नजर की हिफाजत की उसकी मुफ्त, यानी जिसने नजर की हिफाजत नहीं की, अपने कानों की आदा की हिफाजत नहीं की, वो खतरे में उसका, तो वहाँ भी गुनाहों से बचना है। ऐसा नहीं है कि सब बहन भाई हो गए और शरीयत का कोई हुक्म वहाँ नहीं, बहुत लोग इसका दलाई देते हैं कि सब इकट्ठे कर रहे हैं, इसका मतलब है वहाँ पर्दा नहीं है, वहाँ भी पर्दा है। इसी वक्त एक शख्स नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आके सवाल किया कि क्या मैं अपनी माँ की तरफ से हज अदा कर सकता हूँ, उनका इंतकाल हो चुका है, हज नहीं किया, वह आज भी है सारा कुछ, तरह की बात थोड़ा सा अफसर हो। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे सवाल पूछा, क्या तेरी माँ के ऊपर कोई कर्जा होता तो क्या तू वो कर्जा अदा करता? जरूर कर्जा अदा करता। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, तुम अपनी तरफ से हज भी अदा कर सकते हो, हज अदा करो। तो हज बदल के मसाइल भी यहाँ से मालूम हुए। नबी अलैहिस्सलाम जब वहाँ से चले तो वादी मुहस्सर
जब हुज़ैफ़ा से मीना की तरफ भागे तो रास्ते में एक वादी वादी मुहसर वहां से गुजरे तो अपनी सवारी को तेज कर दिया कि वो मकाम है जहां इब्राहिम के ऊपर अबाबील ने कंकरियां फेंकी थी। अल्लाह का आदाब नाजिल हुआ था। कोई भी ऐसी जगह जहां आदाब इलाही नाजिल हो चुका हो नबी अलैहिस्सलाम बोलते हैं तो तेजी की तरफ नहीं फरमाया। और यहाँ फरमाया इसी सफर में कि मेरी उम्मत को मुझसे मसाइल सीख लेने चाहिए, शायद आइंदा महीने में आइंदा साल मुलाकात ना हो सके। सहाबा की भी ख्वाहिश ये थी कि मसाइल को सीखे, नबी अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश भी ये थी हुक्म ये दिया कि मसाइल को सीखो। तो हाजियों को चाहिए, उमरा करने वालों को चाहिए कि एक टूर ऑपरेटर के ऊपर ना रहेंगे कि जो वो करे हम कर लेंगे, नहीं, हर आदमी अलग अलग हज को सीखने का इंतजाम करें, नहायत आसान है, मुश्किल नहीं। नबी अलैहिस्सलाम इधर से हज का दिन है, हज का तीसरा दिन आज आपने तीन काम किए। पहला काम ये किया कि जमरा अकबा बड़े शैतान जिसको समझने के लिए शैतान कहते थे वहाँ आए और सात कंकरियाँ मारी और कंकरी इस तरीके पर मारी कि अब तो जबरा ऐसा है पहले भी होगा कि चारों तरफ से इंसान खड़ा होकर कंकरी मार सकता है, चारों तरफ से बहुत जहाँ से मारे अगर पहुँच गई तो कंकरी हो जाएगी। लेकिन जो सुन्नत अमल क्या है वो ऐसा है कि इंसान इस अंदाज से खड़ा हो, इसके सीने के सामने जबरा है, दाएं हाथ पे मीना है और बाएं हाथ पे मक्का है, इस अंदाज से ये कंकरी तो मारे, ये सुन्नत पर है, वैसे तो कहीं से भी हमारे अदा हो जाए इस तरीके से कि इसका सीना जबरा के सामने हो गया, दाएं हाथ पे मीना है जहाँ से लोग आ रहे हैं और जहाँ जा रहे हैं वो मक्का की साइड है, वो बाईं तरफ हो और ये एक एक कंकरी को हाथ में लेके निशाना लेके फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ये कह के मार दे और आगे रब्बुल शैतान मरीबुल रहमान ये भी कह ले और कंकरियाँ सात अलग अलग दफा में मारे, सातों इकट्ठी मार देगा तो नहीं होगी, एक एक करके सातों को मारे। तो ये रमी करना नबी अलैहिस्सलाम ने रमी की और उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने दोबारा खुतबा दिया, मतलब नबी अलैहिस्सलाम वहाँ से फिर मीना की तरफ लौटे, रमी करने के बाद वापस अपने खेमों की तरफ आए और फिर आपने खुतबा दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप ये इन खुतबों के बारे में ये बात भी मौजूद है इस खास तौर से इसमें कि अहले मीना जहाँ जहाँ होते थे नबी अलैहिस्सलाम की आवाज़ पहुँच जाया करती थी, अल्लाह ने ऐसी मेहरबानी फरमा दी, कानों को खोल दिया था और नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को दज्जाल के बारे में भी इन खुतबों में बात जगह करवाया। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने हलफ करवाया और हलफ करवाने के बाद जो है वो कपड़े पहन लिए और खुशबू वगैरह लगा ली, कुर्बानी हुई, रमी की, रमी करने के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की। हलक बाद में तरतीब वाजिब है, सुन नबी अलैहिस्सलाम ने भी किया, 10 तारीख को पहले रमी है, रमी करने के बाद कुर्बानी है, कुर्बानी करने के बाद हलक। अच्छा कुर्बानी का मामला किस तरह से हुआ, नबी अलैहिस्सलाम ने 63 ऊँट अपने मुबारक हाथों से दुआ फरमाया और ऊँटों के बारे में आता है कि इस तरीके से आते थे कि जब देखते हैं कि हमें नबी अलैहिस्सलाम ने नहर कर रहे हैं दुआ कर रहे हैं अपनी गर्दनें आगे करते हैं कोई यूँ कह रहा है कि नबी पहले में 63 ऊँट नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जानिब से कुर्बान किए और अपने हाथों से कुर्बान किए और 37 हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से कुर्बान किए, टोटल 100 ऊँट नबी अलैहिस्सलाम ने कुर्बान किए। हज के बारे में आता है कि हज में तलबिये की कसरत और कुर्बानी अल्लाह को बहुत महबूब, नबी अलैहिस्सलाम ने तलबिये की कसरत भी की और कुर्बानी भी, तो 10 तारीख को पहले रमी की, रमी करने के बाद कुर्बानी, गलती से कुर्बानी की, कुर्बानी के बाद फिर आप जो हैं आपने हलफ करवाया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट किए कुर्बान और उन 100 के 100 ऊँटों का आपने क्या किया, सहाबों को कहा इनका थोड़ा थोड़ा गोश्त लेके शोभा बना लो ताकि हर ऊँट को सआदत मिल जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इस्तेमाल होने की और फायदा नहीं, तो सबकी थोड़ी थोड़ी गुटियाँ लेके शोरबा बनाया गया और वो गर्म शोरबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया। आज जो चाय पीते हैं ना तो चाय की दलील ये गर्म शोरबे ही मिलता है अगर लेना चाहें तो। अगर जी फरमाते हैं लुत्फ और मजे के तौर पर क्योंकि चाय पीने वालों को तो दलील मिलती है गर्म शोरबे की मिलती है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुर्बानी के गोश्त को इस तरीके से इस्तेमाल फरमाया और अजवाज मुतहरात की तरफ से गाय की कुर्बानी की। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलफ करवाया, हलाफ के नाम मुख्तलिफ हैं, तमाम हज़रत उमर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम ज़्यादा आता है, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हलफ करवाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिवा अपने मुंह मुबारक जुबान मुबारक है उम्मत के अंदर तकसीम कर दिए।
आपने नाखून काटे तो नाखून भी तकसीम कर दिए। और वो मुबारक जो तकसीम किए हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला को तकसीम करवाए गए। उलमा ने फरमाया कि इसके अंदर हिकमत क्या थी। एक तो हिकमत ये थी कि नबी सलाम पहले इशारा दे गए थे कि आइंदा साल मुलाकात होगी ना हो, जुदाई का वक्त करीब आ गया, तो चलो इनके पास तसली के तौर पर कोई निशानी रहेगी, कोई चीज़ रहेगी, तो दिलों की तसली भी हो जाएगी। और अबू तलहा रजी अल्लाह तआला को तकसीम करवाया, इसमें इस बात का इशारा था कि इन्होंने ही बाद में नबी सलाम के बारे में खबर तैयार की और उसमें लहद बनाई और अच्छी ईंटों की चुनाई भी की। तो ये इस तरफ इशारा बाद में उलमा ने लिखा। ताहम नबी अलैहिस्सलाम ने हलक के बाद अपने मुबारक बाल में तकसीम करवाए मुबारक, और उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने कपड़े पहने और खुशबू लगाई। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने तवाफ़ ज़ियारत किया, मक्का मुकरमा आए और तवाफ़ ज़ियारत किया। तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद नबी अलैहिस्सलाम आब जमज़म के ऊपर तशरीफ़ लाए और आब जमज़म पिया। लोग रोल से निकाल रहे थे, फरमाया अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि मुश्किल होगी बाद में तो मैं खुद भी निकालता। ये लोग इसको कि भी नबी अलैहिस्सलाम ने निकाले, हम सब खुद निकालें तो लाखों लोग खुद निकालने लगते तो मसाइल होते। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद ही निकाला। ताहम नबी अलैहिस्सलाम ने आब जमज़म को पिया और अपना बचा हुआ पानी उसके अंदर डाल दिया। उम्मत के लिए एक और एहसान फरमाया कि उम्मत जब आब जमज़म पिएगी तो आब जमज़म तो उसमें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का बचा हुआ पानी भी इसमें। आब जमज़म कौन सा पानी है? ये तमाम पानियों से अफजल पानी है सिवाय एक पानी के जो इससे भी ज्यादा अफजल है। वो कौन सा पानी है जो आब जमज़म से ज्यादा अफजल? जो नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथों से निकला। एक मौके के ऊपर पानी की शॉर्टेज हो गई और लोग परेशान थे, हुदैबिया का मौका था, सुना हुदैबिया जब हुई थी तो सहाबा के पास पानी नहीं था। नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक उंगलियों से अल्लाह ने पानी जारी फरमा दिया जो 1500 लोगों के लिए पूरा हुआ। फरमाया कि वो पानी जन्नत के पानी से भी अफजल और आप जमजम से भी अफजल जो आपके मुबारक जिस्म से निकला। उसके बाद जो अफजल पानी है वो आप जमजम है और आप जमजम आप कौसर और जन्नत के पानी से भी अफजल। ये कैसे? उलमा ने फरमाया जब नबी अलैहिस्सलाम का शक सदर किया गया, सीना खोला गया और अंदर जो है वो जन्नत से आया हुआ दस्त जिसमें जो कुछ था वो डाला गया, उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो पानी इस्तेमाल फरमाया था वो आबे जमजम का। उलमा लिखते हैं कि अफजल नबी के लिए अफजल पानी ही के इंतखाब होना था। अगर जन्नत का पानी आबे जमजम से अफजल होता तो जिस तरह जन्नत से वो दो दस्त लाए थे तो आबे जमजम से वहाँ से पानी भी ले आते। अफजल नबी के लिए अल्लाह ने हर चीज अफजल ही इस्तेमाल फरमाई। आबे जमजम का पानी जन्नत के पानी से भी अफजल। जब इंसान आबे जमजम पिए तो अल्लाह से मांग ले आ जा जमजम आपने अपनी रहमत से अपने फजल से पिला दिया, अल्लाह आपके कौसर को पिला दीजिए और जन्नत के पानी भी पिला दीजिए, अल्लाह ताला इंशाल्लाह मेहरबानी का मामला कर दीजिए। तो तवाफ ज़ियारत के बाद और आबे जमजम पीने के बाद नबी अलैहिस्सलाम वापस मदीना तशरीफ ले आए और सारी बकी रातें जितनी भी थी अय्याम तशरीफ की ये आपने मीना में ही गुजारी और सहाबा को भी मीना में गुजारने का कहा। नबी अलैहिस्सलाम ने सारी रातें मीना में गुजारी। अब बाकी जो दिन थे 11, 12 और 13 तीन दिन और, तीन दिन पहले हो गए और तीन दिन और, तीनों दिन नबी अलैहिस्सलाम ने रमी की जवाल के बाद 10 तारीख की रमी का वक्त शुरू होता है तुलू आफ्ताब के बाद सुबह, लेकिन ये जो 11, 12 और 13 की तारीख नहीं है ये जवाल के बाद शुरू होती है। बहुत सारे लोग पहले ही जा रहे होते हैं। एक दफा मैं बैठा हुआ था वहाँ पे मदरसा सौलतिया में तो एक साहब आए कहने लगे जी वो तो हमने रमी सुबह ही कर रही थी 11 तारीख की 12 तारीख की सुबह सुबह हम 8-9 बजे जाके कर आए। ये आपने सुबह क्यों कर ली? किसने कहा था? क्योंकि शाम को रश बड़ा होकर मैं तो सुबह ही कर लूँ। तो असर मगरब के दरमियान का वक्त था, सवाल जवाब का सेशन जब मदरसा सौलतिया करीब था तो बड़ा दूर गया। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई मगरब की नमाज में बड़ा रश होता है, जल्दी से मगरब भी पढ़ाओ, सारे मसले भी उसी तरतीब पे चलो। भाई जो वक्त अल्लाह ने बताया है, नबी ने कहा कि बताया है, वही तरीका होगा नमाज का वक्त भी, वही रबी का वक्त भी, बता दिया कि जवाल के बाद होगा। तो 11, 12 और 13 तीनों दिन जो है रबी की और जवाल के बाद। हाज हज करने वाला अगर 11 और 12 को करे रबी और रबी करके वापस चला जाए इसका हर मुकम्मल हो गया। इतनी जल्दी की ताजील की ताखीर नबी सलाम ने की और इतनी ज़्यादा रुके 13 को भी की। और कोई मुश्किल नहीं है वहाँ, और कोई काम भी नहीं, कहीं आना जाना भी नहीं। तो हाजी जो हज पर गया हुआ है उसको चाहिए कि वहीं पर रुके और आखिरी
दिन भी रुक कर रमी कर के आए, इसका फायदा क्या होगा? नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हर कंकरी के ऊपर, हर रमी के ऊपर अल्लाह ताला वो गुनाह माफ करते हैं इतना बड़ा, अगर वो माफ ना होता तो अकेला ही जहन्नम में ले जाता, हलाक कर देता, कितना बड़ा गुनाह माफ हो। तो एक दिन और रुकने में कोई फालतू खर्चा भी नहीं हो रहा और वहीं पे है, और करना क्या है? और जो लोग रुकते हैं किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि 12 को वापस जाने में मुशक्कत होती है, 13 को वापस आने में मुशक्कत भी नहीं होती, अक्सर लोग तो जा चुके होते हैं आसानी से वापस आते हैं, और हरम भी भरा होता है, ऐसा भी नहीं है कि 12 को वापस आ जाए और 12 को वापस आके कोई 2-4 तवाफ कर देगा, ऐसा कोई सिलसिला नहीं, दाखिल होने की जगह नहीं मिलती। तो बेहतर है कि हर लिहाज से एक दिन वहीं रुके और 13 की भी रमी करें, सुन्नत भी और उतनी बड़ी फजीलत भी है। तो नबी अलैहिस्सलाम 11, 12 और 13 इन तीनों दिनों में क्या होता था, तीनों जमरात की कंपनी मुबारक कर, तीनों को मुबारक कर। हम उसको समझने के लिए छोटा शैतान, दरमियाना शैतान, बड़ा शैतान के हल्के आसानी के लिए, वरना जमरा उला वस्ता और रुबा ये उसके नाम है। तो पहले वाले को मारते बिना से आ रहे हैं, जो पहले आ रहे हैं पहले उसको साथ मार दिए, फिर दूसरे को साथ मार दिए, तीसरे को साथ, पहले दोनों के बाद नबी अलैहिस्सलाम क्या करते, नमी करके खड़े हो जाते और खूब दुआएं मांगते, जिसकी देर में सूरह बकरा की तिलावत होती, लंबी दुआएं। तो पहले के बाद दुआ करना सुन्नत, दूसरे के बाद दुआ करना सुन्नत, और तीसरे के बाद नबी अलैहिस्सलाम दुआ नहीं मांगते थे, गोया तीसरे बड़े शैतान को मारने के बाद दुआ न करना। फिर 13 तारीख को नबी अलैहिस्सलाम रमी करके जब वापस हुए तो मीना से चले, और एक जगह है मुहस्सब, उसका नाम आता है वादी मुहस्सब, वहां नबी अलैहिस्सलाम ने जोहर असर मगरिब इशा चार नमाजें अदा की, आराम भी फरमाया, आजकल उसको मुआवजा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा मौका मिला, कोशिश करके वहां जाने का इरादा हुआ, और एक आध नमाज का मौका मिला, रोज गुजारने का मौका मिला, अल्लाह की रहमत से कबूल फरमाए। तहम ये जरूरी नहीं है छोटी सी वहाँ मस्जिद बनी, उसके बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ी मस्जिद है, जिसके सामने वो मस्जिद है नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी। इसकी कई एक हिकमत उलमा ने ये लिखी, वादी मुहस्सब वो जगह है जहाँ एक जमाना था जब कुफारे मक्का ने मुसलमानों का सोशल बायकॉट करके 3 दिन के लिए उनको बैक कर, 3 साल के लिए उनको बैक कर दिया। शुएब अबी तालिब का जो वाक्य है वो यही तकरीबन मकाम था। तो वाकई में नबी सलाम ने यहाँ इसलिए भी क्याम फरमाया कि एक वो मकाम वक्त था, और आज अल्लाह ने मुसलमानों को इज्जत और शौकत अता था फरमाई, एक बहुत बड़ी तादाद, जब देखो मुसलमान मुसलमान है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ क्याम फरमाया। उसके बाद नबी अलैहि सलाम मक्का की तरफ चले और रात को तवाफ वदा किया, आखिरी वक्त था मक्का की जुदाई का, तो नबी अलैहि सलाम तवाफ वदा किया। यहाँ एक और हमारी माँ सफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनको अय्याम शुरू हो गए और वो परेशान हो गई, कहने लगी कि क्या मुझे रुकना पड़ेगा तवाफ वदा के लिए? जब मालूम हुआ कि भाई आप तवाफ ज़ियारत कर चुकी हैं, सारे अरकान पूरे हो चुके हैं, सिर्फ तवाफ वदा बाकी है और हायदा औरत है, तो बताया कि इसके ऊपर इस पोजिशन पे अब तवाफ वदा नहीं, लेकिन तवाफ ज़ियारत तमाम सूरतों में है, उसके लिए चाहे रुकना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े, वो फर्ज है हज का दूसरा रुकन आज़म है। अब हमें आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मामला आया, जब गई थी तो इनको अय्याम शुरू हो गए, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उमरे की जगह उनको कहा आप हज करें, आपने हज कर लिया, हज करने के बाद कहने लगे भाई हमें उमरा भी करना है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपने भाई अब्दुल रहमान के साथ चले जाएं और मस्जिद आयशा, जहाँ पे नईम की जगह का नाम है तनईम, मस्जिद आयशा उसको कहते हैं, वहाँ से उमरा करके आ गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी आसानी फरमा दी कि 1400 साल हो गए हैं, बगैर किसी नावा के सारी दुनिया के मुसलमान, अरब के हों या अजम के हों, मशरक के हों या मगरब के हों, वहाँ से उमरा करते चले जाए, और वहाँ सैकड़ों उन्होंने बाथरूम बनाए हुए, वो सब का इंतजाम किया, बहुत बड़ी मस्जिद बना दी हुई है, पूरे इंतजाम किए हुए, और बसें मिलती हैं, 2 रियाल में वहाँ छोड़ देती हैं, 24 घंटे साइकिल चल रहा है, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, और 1400 साल से चल रहे, और उसमें सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के लोग नहीं होते बल्कि सारी दुनिया के मुसलमान आते हैं और वहाँ से उमरा करते हैं। तो मस्जिद आयशा से उमरा करना अगर किसी को आसानी हो जाके कर सकता है, तवाफ की तादाद ज़्यादा हो ये ज़्यादा बेहतर है। अब नबी अलैहिस्सलाम
वापसी का सफर शुरू हुआ, मुकम्मल हो गया, वहाँ पे वदा भी हो गया, अम्मी आयशा का कुमरा बाकी का वो भी हो गया, अम्मी सफिया का मामला अय्याम का शुरू हो गया था, तो तवाफ वदा उनके ऊपर शरीयत ने साबित कर दिया, अभी वापसी का सफर शुरू हुआ। चलते चलते 18 दुर्घटना का दिन था, एक ऐसा मकाम था वजीर खम, उसका नाम है, तो मेरे सलाम ने जब वहाँ पड़ाव किया तो वहाँ पर सैयदना अली रजी अल्लाह के मनाकिब बयान सुना, उनके फजाइल बयान सुना, फरमाया कि जिसका मैं दोस्त हूँ अली उसके दोस्त हैं, और फरमाया कि जो शख्स अली को दोस्त रखे उसको तुम भी दोस्त रखो, जो शख्स उससे दुश्मनी करे तो तुम उससे दुश्मनी करो। तो अली रजी के मकाम और मनाकिब को इस मकाम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, और जब आगे वापस आए तो मकाम रौहा पर जब पहुँचे तो सवारों की जमात से मुलाकात हुई, वहाँ बातचीत हुई, और यहीं पे एक औरत ने गुदज से अपना सर निकाला और नबी अलैहि सलाम से पूछा, बच्चे को दिखाया कि भाई, अब एक औरत ने अपने गुदज से अपना बच्चा निकाला, सर निकाला, बच्चा निकाला, बच्चा नबी अलैहि सलाम को दिखाते हुए पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या बच्चे का भी हल हो सकता है? फरमाया, हाँ बच्चे का भी हल हो सकता है, लेकिन उसका सवाब तो नहीं मिलेगा। तो छोटे बच्चे हज उमरे में चले जाते हैं, वालिदैन को उसका सवाब मिलता है, लेकिन फर्ज हक बालिग होने के बाद ही अदा होगा, तो छोटी उम्र में अगर किया भी है तो अदा नहीं होगा। वापसी में दोबारा खलीफा के में आए और वहाँ भी रात को क़याम फरमाया, और जब खलीफा से वापस निकले मदीना की तरफ, तो उहद नजर आया, नबी सलाम ने फरमाया ये वो पहाड़, नबी सलाम पहाड़ी को जिस कर दी, फरमाया ये वो पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत रखता है, मुझसे मोहब्बत रखता है। जब ये उहद था नबी सलाम की बड़ी मोहब्बत थी, और मदीना रही बार जब दाखिल होने के वक्त आया, उसमें नबी सलाम ने दुआएं पढ़ी, आ इबून अता इबून आबिदून साजिदून लिरब्बिना हामिदून صدق الله وعده ونصر عبده وحزم الاحزاب وحده। हम रुजू करने वाले हैं, इबादत करने वाले हैं, सजदा करने वाले हैं, और अपने रब की हम तारीफ बयान करने वाले हैं, अल्लाह ताला ने अपना वादा सच कर दिखाया, अपने बंदे की मदद फरमाई, और तमाम ताबूती ताकतों को लश्करों को तनहा शिकस्त दी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वापस तशरीफ ला रहे थे, तो एक खातून नबी अलैहिस्सलाम के साथ हज नहीं कर सकी थी, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के साथ हज करने की बात की, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तस्वीर दे दी। तो जो रमजान को मुबारक में हज अदा करेगा तो वो ऐसा है जैसे उसने मेरे साथ हज किया। उस औरत की तड़प के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसी बात कर दी, उम्मत के लिए कयामत तक के लिए रास्ता खुल गया। फरमाया कि जो रमजान में हज अदा करेगा, वो उम्र अदा करेगा, वो ऐसे जैसे जैसा उसने मेरे साथ हज किया। इतनी बड़ी फजीलत है, अल्लाह ताला ये नेमत हमें भी अता फरमाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हज की बात मुकम्मल हो गई, तहम एक मिनट डेढ़ मिनट में एक बात और करनी है। नबी अलैहिस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ ले गए, उसके बाद सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने। पहले साल उन्होंने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अमीर हज बना के भेजा, जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने इनको भेजा था। अब इन्होंने क्या किया, पहले साल हज़रत उमर को भेजा अमीर हज बना के, अगले साल अमीर हज बनकर खुद गए जैसे आपा गए थे। इनको थोड़ा मिला था, इनका भी इंतकाल हो गया। आपके बाद कौन आए थे? उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला। जब आप खलीफा बने तो आपने पहले साल कोई सुन्नत अदा की किसी और बड़े मुअज़्ज़ज़ सहाबी को अमीर हज बना के भेजा, क्या था? हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला, उनको आपने पहले साल बना के भेजा, और उसके साथ मुस्तकिल 10 साल आपको और मिले, और आप 10 साल मुसलसल हज करते रहे, अमीर हज बन के जाते रहे। इनके बाद कौन से सहाबी खलीफा बने थे? उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी नबी की सुन्नत को जिंदा किया, पहले साल अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अमीर हज बना के भेजा, और उनके अगले साल से मुस्तकिल जितना उनको वक्त मिलता रहा, 25 हिजरी से 34 हिजरी तक वो खुद अमीर हज बना बन के जो है वो जाते रहे, और फिर महसूर कर दिए गए। तो फिर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला को अमीर हज बनाया गया था। उनके बाद अली रज़ी की खिलाफत थी, उनके खिलाफत के अंदर कुछ मामला ऐसे आ गए कि वो पाबंदी के साथ हर साल हज ना अदा कर सके, ताहम उससे पहले पहले आप कसरत के साथ हज करते रहे। अल्लाह ताला हम सब को भी बार बार हज उमरा करने की तौफीक अदा फरमाए, सीख कर समझ कर शौक से मोहब्बत से अदा करने की तौफीक अदा फरमाए, और ऐसा हज हो जिसमें रियाकारी और दिखावे का शायबा भी ना हो, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए हो। आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह।